विश्लेषण का महामैराथन, आपका आरओ एआरओ का एग्जाम बिल्कुल सर पे है दोस्त, बिल्कुल एकदम आप दिन रात एक कर दिए हैं। ऐसे में चंद्रा इंस्टीट्यूट ने भी आपके साथ कदम से कदम मिला लिया है। अब चंद्रा इंस्टीट्यूट बिल्कुल आपके साथ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं विशेषण से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, विशेषण विशेष से 10 नंबर का प्रश्न आता है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे यार हो जाएं तैयार, बिल्कुल एकदम 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं दोस्तों। देखिए यही नहीं, मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं हर टॉपिक के साथ बताता चलूंगा कि कहां से प्रश्न बनेगा, कैसा प्रश्न बनेगा और अब तक कितना क्वेश्चन आप कवर कर आए हैं, एक एक चीज, क्योंकि इस कंपटीशन को बिल्कुल एक एक पॉइंट स्टडी करके तब मैं आपके बीच खड़ा हुआ हूं दोस्त कि विशेषण विशेष से किस किस तरह के प्रश्न रेगुलर बने हैं और अगर बहुत कठिन करेगा तो कहां ले जाएगा, सरल करेगा तो कहां ले जाएगा, किस तरह से क्या होगा, एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट लेकर के मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस आपको एक ही काम करना है मेरे दोस्त कि एक बार सभी भाई बहन जोरदार ढंग से जरा शेयर करेंगे, जरा एक बार जोरदार ढंग से शेयर करेंगे और हो जाए बिल्कुल 10 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण। देखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ बता देना बेटा, विशेषता बताने वाला। एक साल आरओ में आया हुआ यह सीधा सीधा क्वेश्चन है कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। तुरंत आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, मैंने जैसे कहा विशेषता बताने वाला, आपके मन में एक जिज्ञासा उठी होगी कि किसकी विशेषता बताने वाला ना भाई, जैसे मैंने कहा कि विशेषता बताने वाला, तुरंत आपके मन में एक जिज्ञासा उठी होगी किसकी विशेषता, किसकी विशेषता। ठीक है, तो बेटा मैं आपको उत्तर दे देता हूं, संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी भैया? संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। कहने का मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, बल्कि आप और की जगह या कर लीजिए बेहतर रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो कहने का मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा सीधा आपको मेन टॉपिक पर ला करके और सीधे प्रश्न बताऊंगा कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या प्रश्न बनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वह शब्द जो वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो मेरे भाई मेरे भाइयों, बिल्कुल जो भी मेरे बच्चे सीटेट आदि को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप लोग तैयार रहें, बहुत जल्दी सीटेट की डेट आने वाली है और ये टॉपिक आपका सीटेट में भी आएगा, एमपीटेट में भी आएगा, पर यहाँ हम इसको बहुत डीप और बहुत अच्छे से पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ फोकस किया है आरओए आरओ का एग्जाम। तो जो भी आपके भाई बहन सिविल सेवा से जुड़े हैं उनको एक बार जरूर यह संदेश पहुंचाएं कि भैया चंद्रा इंस्टीट्यूट पे 10 नंबर का आपका काम पक्का होने जा रहा है। बिल्कुल दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमने आपको यहां तक बता दिया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते।
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। अच्छा, अब चलिए मैं इसका उदाहरण दूं, उससे पहले एक बात जो बहुत कम लोग आपसे करेंगे, यहां तक तो ये बात सब बताएंगे आपको, सब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, मैं उसका प्रश्न का यहां वो करता हूं निष्कर्ष ना, क्योंकि नीचे इसका उत्तर दूंगा मैं। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा इस परिभाषा को लेकर के, कि भैया क्यों केवल संज्ञा और सर्वनाम ना, क्यों संज्ञा या सर्वनाम, भाई विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता क्यों बताते हैं, क्यों गुरुजी ने कह दिया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो दोस्त एक बात याद रखना, किसी भी वाक्य के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब मेरे भाई बहन जानते हैं। वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, और क्या होती है, क्रिया होती है। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब दोस्त देखिए, कर्ता और कर्म जो होते हैं ये या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम, और क्रिया किसका बोध कराती है, कार्य का बोध कराती है। क्लियर? अब ध्यान देना, इन तीनों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। इन तीनों की विशेषता अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया, तीनों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। पर यहां प्रश्न एक है कि अगर हम तीनों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कह देंगे तो ये संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया या कार्य का जो अंतर है वो अंतर खत्म हो जाएगा। इसीलिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले अर्थात कर्ता, कर्म की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले में क्रिया के कार्य या क्रिया के पहले विशेषण जोड़कर क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता क्यों बताता है, क्योंकि भैया वाक्य में कर्ता और कर्म या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम, और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, कर्ता या कर्म की विशेषता बताता है। एक नई परिभाषा जो किताब में नहीं लिखी है पर आपके आरओ एआरओ के प्रश्न में आई परिभाषा है। तीन परिभाषा बनती है विशेषण की, आरओ एआरओ में तीन परिभाषा है विशेषण की, और तीनों क्वेश्चन है। आप पेपर उठाकर देखिएगा, सॉल्व किया होगा पेपर आपने, आज मिलाइएगा और कहिएगा कि हाँ एकदम यह आदमी एग्जाम के रग को पकड़ कर आया है ना। दोस्त ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि कर्ता कर्म की विशेषता बताने वाले को विशेषण करते हैं, और कर्ता और कर्म या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम। इसीलिए पहली परिभाषा दी जाती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पहली परिभाषा निकल कर आ गई, परिभाषा नंबर एक। तीन परिभाषा देंगे हम, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्त अगर हम यहां से आपको उदाहरण दें, जैसे अभी सिंपल उदाहरण दें, मैं अगर आपसे कहूं काला कुत्ता, मैं क्या कहूं, काला कुत्ता। अब ध्यान देना बेटे, देखो आप सारे भाई बहन जान रहे हैं कि कुत्ता संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कुत्ता, और कुत्ता की विशेषता है कि वह काला है। इसका मतलब काला क्या है, संज्ञा की विशेषता, और आपने कहा जो संज्ञा की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। इसका मतलब काला शब्द क्या है, विशेषण है। तो समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम आपका समय नहीं लेंगे। मुझे पता है बेटे कि एग्जाम का समय एकदम सर पर है, आपका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। चलिए और आगे उदाहरण लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम कह दें लंबी सड़क, अब ध्यान दीजिएगा लंबी सड़क, अब देखिए सड़क शब्द क्या है, सड़क शब्द संज्ञा है, और सड़क की विशेषता है कि वह लंबी है। इसका मतलब सड़क शब्द संज्ञा और सड़क की विशेषता है कि वह लंबी है, तो लंबी क्या हो गया, संज्ञा की विशेषता हो गई। और जब संज्ञा की विशेषता हो गई तो उसे क्या कहते हैं, जब संज्ञा की विशेषता हो गई तो उसे क्या कहेंगे, उसे विशेषण कहेंगे। इसका मतलब लंबी शब्द क्या है, विशेषण। मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगा, मैं आपसे भी प्रश्न लूंगा, आपके भी उत्तर दूंगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, यहां बैटर क्लियर हो गया। चलिए एक उदाहरण अब वाक्य का लेता हूं, संजय गोल चौराहे पर, संजय गोल चौराहे पर खड़ा था, संजय गोल चौराहे पर खड़ा था। देखिए दोस्त
अब यहां क्या कह रहे हैं, संजय गोल चौराहे पर खड़ा था। अब आपसे क्वेश्चन किया, अब देखिए मैं सीधा प्रश्न की प्रकृति पर बिल्कुल मैं केवल चीज समझाते हुए क्वेश्चन कराऊंगा ना। संजय गोल चौराहे पर खड़ा था, पूछा आपसे कि इसमें विशेषण कौन सा है। फटाफट तैयार हो जाए उत्तर देने के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिस तत्काल। संजय गोल चौराहे पर खड़ा था, पढ़ते भी रहे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। पहला ऑप्शन दिया संजय, दूसरा ऑप्शन दिया गोल, तीसरा ऑप्शन दिया चौराहा और चौथा ऑप्शन दिया खड़ा। चलिए जल्दी उत्तर करिए ताकि आप अपना ज्ञान यहीं सेट करते रहें। अशोक जी ने गोल कहा, ठीक है, जावेद जी ने गोल कहा, जो है मोहम्मद इकरान जी ने गोल कहा, ठीक है, रजनी जी ने गोल कहा, पीके ऑफिस जी ने गोल कहा, ठीक है। नहीं एमपीटेट होगी बेटे, कल से रेगुलर हो रही है एमपीटेट, कहाँ नहीं हो रही है, अब आज तो संडे है। गोल, सारे मेरे भाई बहन गोल कर रहे हैं। सुनो बेटा तरीका बताता हूँ आपको, मेरा आइडिया सुनना। जब भी आपसे विशेषण का क्वेश्चन किया जाए, सूत्र याद रखना, दिमाग में ये बात रखना, कभी गलत नहीं होगा। पहला काम क्या करना जानते हैं, जो भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद आए हैं पहले उनको अंडरलाइन करना। क्या करना, उनको अंडरलाइन करना, रेखांकित करना, फिर मैं बताऊं। देखो आप देखो बेटे, एक संज्ञा संजय है और एक संज्ञा चौराहा है, ठीक। अब संजय की कोई विशेषता नहीं है, क्यों, अगर संजय की विशेषता होती तो संजय के पहले या बाद यही आगे पीछे लिखी होती। लेकिन चौराहे की विशेषता है कि वह क्या है, गोल है। इसका मतलब चौराहा संज्ञा है, आप जान गए, और स्थान है भाई, स्थान होने के कारण एक संज्ञा है चौराहा। तो जब चौराहा संज्ञा है और चौराहे की विशेषता है कि वह गोल है, इसका मतलब गोल शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, था कि नहीं था ना। चलिए एक उदाहरण और, बिल्कुल आप ऐसे पढ़िए यार, ऐसे पढ़िए ताकि आपका एकदम मन लगा रहे और उत्तर देते रहें। चारागाह में, ये आपके आरओ में आया प्रश्न है, चारागाह में 10 गायें, चलिए मैं 10 संख्या में लिख दिया हूं, आप समझ गए, चर रही थी। इसमें भी क्वेश्चन किया है, विशेषण है, विशेषण है। नंबर एक चारागाह, नंबर दो में, नंबर तीन 10, नंबर 4 गायें। जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए। तो अब फिर इसके बाद एक और आपके जो है आरओ का क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी करिए बेटे। 10, बिल्कुल ममता जी, प्राची जी, शिवांगी जी, मोहम्मद इकरान जी, क्या बात है, अंकित जी, देवराज जी, श्वेता जी, सारे भाई बहन 10 का उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब विशेषण का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए एक आरओ में आया क्वेश्चन आपके और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। नील परिधान, प्रसाद जी की लाइन है भैया, पूछ लिया था, बहुत अच्छा। नील परिधान बिच सुकुमार, बस इतना ही दिया था, नील परिधान बिच सुकुमार। इसमें पूछा कि कौन सा विशेषण शब्द है। मैं बिल्कुल आपके आरओ में आए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा भैया, एकदम मैं परिभाषा लूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर कराता रहूंगा, आप उत्तर देते रहो, यही प्रैक्टिस करते रहो, और 2 घंटे में पूरा विशेषण में एकदम भारत माता की जय कर दो। शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नील परिधान बिच सुकुमार, अब पूछा इसमें विशेषण है। नंबर 1 दिया था नील, नंबर 2 दिया था परिधान, नंबर 3 दिया था बिच ना, बीच, और नंबर 4 दिया था सुकुमार। चलिए उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। नील, क्या बात है, सोनिया जी, प्रज्ञा जी, बिल्कुल आशीष जी,
आशीष जी, नीरज जी, सूरज जो है, जो है बिल्कुल सूरज जी, अंकित जी, क्या बात है एकदम। देखो बेटा है क्या यहाँ, यहाँ संज्ञा देखो, एक संज्ञा है मेरे बच्चे परिधान, परिधान, और परिधान माने वस्त्र होता है, और परिधान की विशेषता है कि वह क्या है, नीला है। इसका मतलब ये वस्त्र की विशेषता, और जब संज्ञा की विशेषता है तो विशेषण है। सभी भाई बहनों को क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इससे कठिन विशेषण में नहीं आया आरओ में प्रश्न, केवल विशेषण पूछने वाले में इससे कठिन प्रश्न नहीं आया। तो ये रहा सामान्य लेवल का प्रश्न और ये रहा कठिन लेवल का प्रश्न, दोनों करा के मैंने दिखा दिया आपको। मजा आया तो शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जब आप विशेषण पढ़ लिए तो अगली हेडिंग डालते हैं विशेष। अभी नहीं, अरे अभी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो आप आरओ यारो हैं भैया। परिभाषा नंबर दो, जो शब्द कर्ता अथवा कर्म की विशेषता बताता है, जो शब्द कर्ता अथवा कर्म की विशेषता बताता है, जो शब्द कर्ता अथवा कर्म की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया भैया? जो शब्द किसकी विशेषता बताता है, कर्ता अथवा कर्म की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते। जैसे मोटा लड़का मोटा लड़का कूद कर भागा। अब आप इस वाक्य में देखो बेटे, कूद कर भागा क्रिया है, और क्रिया किसने किया, लड़के ने किया। इसका मतलब लड़का करता है, और कर्ता की विशेषता है कि वह मोटा है। इसका मतलब मोटा शब्द क्या है, विशेषण है। क्लियर हो गया? तो जो कर्ता की विशेषता बताए, या कर्म का एक उदाहरण दे दूं, मोहन सुंदर इमारत में, मोहन सुंदर इमारत में रहता है, मोहन सुंदर इमारत में रहता है। अब इस वाक्य में देखिए, रहना क्रिया है, रहने का काम कौन कर रहा है बेटे, मोहन कर रहा है। मोहन इस वाक्य का कर्ता है, पर मोहन की कोई विशेषता नहीं बताई गई का जो है, पर इमारत में रहता है। अब देखिए यहाँ इमारत आ गया, और इमारत भी संज्ञा है, और इमारत की विशेषता है कि वह क्या है, सुंदर है। इसका मतलब सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो कहने का मतलब बेटे यही है कि चाहे वो कर्ता और कर्म की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते। बात स्पष्ट हुई। सुंदर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आप लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल, समय नहीं लूंगा मैं एकदम, मुझे पता आपका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। परिभाषा नंबर तीन, सबसे कठिन परिभाषा, इसको समझने में सारी ऊर्जा लगा दीजिएगा, बस बाकी हम बता देंगे सब। परिभाषा नंबर तीन देखो बेटा, इसको कहते हैं आरओ पढ़ाना। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, क्यों, एक विशेषता नहीं। आप नॉर्मल कोर्स के आदमी होते तो एक पढ़ाता, आपको तीन तीन पढ़ा रहा हूं, पूरा आपका लेवल लेकर चल रहा हूं मैं, आरओ का पूरा लेवल मेंटेन करके चल रहा हूं मैं। इसलिए आप सभी भाई बहनों से बस एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को इसका लाभ पहुंचाएं, ईश्वर आपका जरूर हित करेगा यार। ये जो है ये प्रयाग की पावन भूमि बहुत पावन है, यहां से अगर आप किसी का हित करते हैं तो ईश्वर जरूर आपको लाभ देता है। चलो दोस्त, क्या कहते हैं परिभाषा नंबर तीन, जो संज्ञा की व्याप्ति को, जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित, मैं जरा सा पानी पी लूं एक मिनट बस।
जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, यह परिभाषा देखने पर मेरे अच्छे अच्छे भाई बहन परेशान हो जाते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखो बेटे, यह बात कहने पर तो सबको कठिन लगती है, मेरे भाई बहनों को लगता है कि क्या कह रहे हैं ना, बट मैं इसको सरल शब्दों में आपसे बता देता हूं, बस वो कुछ नहीं है यार, इसमें व्याप्ति मर्यादित थोड़ा सा जानते हैं, ये क्या है, भौकाल बना दिया गया है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बहुत एकदम वेल मेंटेन कोई आदमी हो, मैं इनकी पोल खोल दे रहा हूं सब मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, केवल इनकी पोल खोल दूंगा मैं। देखो क्या कह रहे हैं, संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, ये बड़े बड़े शब्दों में उलझ जा रहे हैं लोग, कुछ नहीं, इसी की मैं कह रहा हूं, इसी को कह रहा हूं, इसी की व्याख्या कर रहा हूं, जो संज्ञा के विस्तार को सीमित करता है। अब समझ में आ गई, जो संज्ञा के विस्तार को क्या करता है, सीमित करता है, जो संज्ञा के विस्तार को सीमित करता है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा के विस्तार को सीमित करता है उसे क्या कहते हैं बेटे, उसे विशेषण कहते हैं। यही परिभाषा, उसको मैंने आपके शब्दों में लिख दिया, उसको मैंने क्या किया, बिल्कुल आपके शब्दों में लिख दिया। क्या, जो संज्ञा के फैलाव को सीमित करे, संज्ञा के विस्तार को कम कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। देखो बेटा मैं एक शब्द में समझा दूंगा, समझ लेना मेरे बच्चे। जैसे देखो सिंपल सी बहुत अच्छा उदाहरण दूं मेरे भाई, कुछ नहीं है यार, एक बात बताओ, घोड़ा, आपने कहा घोड़ा, घोड़ा देखो भैया नंबर एक पर तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, नंबर दो चाहे काला घोड़ा हो, है कि नहीं भाई, घोड़ा का मतलब क्या, चाहे काला घोड़ा हो चाहे सफेद घोड़ा हो ना, चाहे लाल घोड़ा हो, भाई सब घोड़ा है, तो घोड़ा का मतलब चाहे काला घोड़ा हो, सफेद घोड़ा हो, लाल घोड़ा हो, सब घोड़ा है, ठीक। अब देखिए, अब मैं घोड़ा के साथ एक विशेषण लगा रहा हूं, क्या, मैंने लिख दिया लाल घोड़ा ना, अब क्या करें हम, अब हम लिखेंगे विशेषण लगाने पर, विशेषण लगाने पर क्या, अब हमने मान लीजिए यहां विशेषण लगा दिया लाल घोड़ा, और एक बात मैं अभी बता दूं आपको, सब समझ में आएगा इसका मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके शब्द में समझाऊंगा, आपके उदाहरण को जोड़कर समझाऊंगा, लाल घोड़ा। अब देखो बेटे, अब यहां घोड़े की विशेषता है कि वह लाल है, इसका मतलब लाल शब्द विशेषण है, मेरा हर भाई बहन ये बात समझ रहे हैं, मेरे हर भाई बहन समझ रहे हैं। अब देखो बेटे, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ विशेषण लगाया, क्या हो गया, संज्ञा का विस्तार कम हो गया, क्यों, क्योंकि अब काला घोड़ा यहां से कट गया, सफेद घोड़ा कट गया और केवल लाल घोड़ा रह गया, इसका मतलब अब देखो संज्ञा कम हो गई कि नहीं हो गई बेटे, आप बताओ, केवल घोड़ा का मतलब काले भी सफेद भी लाल भी, पर लाल जैसे विशेषण लगाया संज्ञा का फैलाव क्या हो गया, सीमित हो गया, क्यों, क्योंकि अब काले और सफेद इससे बाहर हो गए। यही चीज तो कही गई तीसरी परिभाषा में कि जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, जो संज्ञा के विस्तार को सीमित कर देता है, जो संज्ञा के फैलाव को कम कर देता है उसे विशेषण कहते हैं। मजा आया हो तो शेयर करिएगा, अगर मजा आया हो तो शेयर करिएगा मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल आंख मूंद के पढ़ाने पर एकदम पूरी ताकत लगा दूंगा। आपके 10 नंबर के लिए दोस्त, आज संडे का दिन है, चाहता तो मैं भी कमरे पे बैठ सकता था, लेकिन नहीं, सर ने कहा कि भैया जो है आर ओ आर ओ का एग्जाम आ रहा है। देखिए दोस्त, वास्तव में मैं बताऊं, हमारा हम लोगों के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं जो है हमारे जो है वागेश सर, जो है हमारे डायरेक्टर साहब, उन्होंने कहा कि यार विक्रम सर थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, पर एक बार ऐसा करिए 10 नंबर का मुझे बताया, लोगों ने कई बच्चों ने फोन किया कि सर विशेषण पढ़वा दीजिए, 10 नंबर का आता है अकेला, तो सर ने कहा कि यार एक दिन मेहनत कर दीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल सर मैं करूंगा, अपने भाई बहनों के लिए बिल्कुल करूंगा, और भाई बहन हमारे जो है बिल्कुल लाभ लें दोस्त। बात समझ में आई, मजा आया, मजा आया, ये तीसरी परिभाषा क्लियर हो गई कि कैसे, चलो मैं और बताता हूं। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, लो 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, बहुत बातें करनी है यार, 10 क्वेश्चन कवर करना है।
अभी तो केवल एक प्रश्न हुआ है। चलिए जैसे और उदाहरण मैं देता हूं। देखो बेटे, हमने कहा लड़का। अब लड़का का मतलब क्या है? दुनिया में जितने भी लड़के हैं, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, है चाहे जितने भी लड़के हो, है कि नहीं, सब लड़के। मतलब लड़का का मतलब क्या? दुनिया में, दुनिया के सभी लड़के, बिल्कुल दुनिया के जितने भी लड़के हैं सभी लड़के। पर अगर मैं यही लड़का के साथ बेटा एक मोटा विशेषण जोड़ दूं और मैं कह दूं मोटा लड़का, अब बताना मेरे भैया, अब बताना। तो अब देखो, अब भैया इसमें जो पतले लड़के हैं वो तो नहीं आएंगे, तो जितने पतले लड़के हैं वो तो बाहर चले गए। तो जब वो बाहर हो गए तो संज्ञा कम हो गई कि नहीं? संज्ञा का दायरा सीमित हो गया, क्योंकि अब तक मोटे और पतले दोनों थे, अब केवल मोटे रह गए हैं। पतले बाहर हो गए तो संज्ञा कम हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही हमने मोटा क्या लगाया, विशेषण, और जैसे ही हमने मोटा विशेषण लगाया तुरंत क्या हो गई? संज्ञा सीमित हो गई। संज्ञा क्या हो गई मेरे भैया? संज्ञा सीमित हो गई। तो यही चीज मैंने आपको तीसरी परिभाषा में बताया कि विशेषण वह है जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित कर देता है, जो संज्ञा के विस्तार को सीमित कर देता है, जो संज्ञा के फैलाव को कम कर देता है, उसे विशेषण कहते हैं। अगर तीनों परिभाषा समझ में आ गई हो तो एक बार शेयर करिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। हाँ, मोटा विशेषण है, क्या बात है रेखा जी, लड़का संज्ञा है, मोटा विशेषण प्रीति जी, क्या बात है यार, ठीक है। देखिए, और ये बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यय, प्रत्यय भी आता है, आएगा तो पढ़ा दूंगा 100% तुरंत चल रहा है, यस। यस, चलने लगी क्लास? बताएं बेटा, चलिए हो गया, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक मामला? मैंने क्या कहा कि संज्ञा का फैलाव कम हो गया। देखो बहुत आसान है, मेरे कुछ भाई बहनों ने लिखा कि सर एक बार फिर, कुछ नहीं करना भाई, क्या इसमें है। आप देखो बेटे, जैसे हमने कहा लड़का, तो उसमें मोटे लड़के भी शामिल हैं, पतले लड़के भी शामिल हैं, है कि नहीं? लेकिन जब हमने केवल मोटा लड़का कह दिया तो अब पतले तो नहीं आए, इसका मतलब संज्ञा कम हो गई कि नहीं? पतले बाहर हो गए तो कम हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि भैया जो है संज्ञा का विस्तार सीमित हो गया। जैसे आप कहते हैं घर, तो दुनिया में जितने घर हैं सारे घर, पर आपने कहा सुंदर घर, तो जो घर सुंदर नहीं है उनको छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ना पड़ेगा तो संज्ञा कम हो गई कि नहीं हो गई? बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब विशेषण की बात करने के बाद, विशेषण की बात करने के बाद अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है विशेष्य। क्या नाम है? विशेष्य, ठीक, विशेष्य। देखिए मेरे दोस्तों, विशेष्य की बड़ी आसान सी परिभाषा है विशेषण। मैं एक मिनट में समझा दूंगा, कुछ नहीं है यार, एक मिनट में समझा दूंगा। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर? देखिए, अब मैं जैसे यही बता रहा हूं, यहां से उदाहरण लीजिए, जो पीछे आपने उदाहरण पढ़े थे वहां से उदाहरण लीजिए। अगर मैं कहूं सुंदर लड़की, मैं क्या कहूं मेरे बच्चों? सुंदर लड़की। मेरे भैया देखना,
अब देखो भैया, आप जान रहे हैं कि लड़की शब्द संज्ञा है और लड़की की विशेषता है कि वह क्या है, सुंदर है। तो लड़की की विशेषता, संज्ञा की जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। इसका मतलब सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण है, ठीक। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण ने किसकी विशेषता बताया भाई, सुंदर विशेषण ने किसकी विशेषता बताया, लड़की की। इसका मतलब लड़की क्या है, विशेष। लड़की क्या है, विशेष है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, और उदाहरण देता हूं। लंबी सड़क, प्रश्न आया लंबी सड़क दूर तक जाती है, लंबी सड़क दूर तक जाती है। अब देखिए, आप पूछा कि इस वाक्य में विशेष्य बताइए। क्या पूछा भैया, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। ऑप्शन दिया नंबर एक लंबी, फिर इसी से समझा दूंगा भैया, कुछ आप भी उत्तर देते रहेंगे, आपका भी मन लगा रहेगा। सड़क, नंबर तीन दूर तक, नंबर चार जाती है। लंबी सड़क दूर तक जाती है। अब बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट। रोड, अरे वाह इकोरा खान जी क्या बात है। सड़क, मीना जी या विजय जी क्या बात है। भाई शेयर करिएगा एक बार यार, संख्या तो बढ़नी चाहिए। अब बताइए, अगर आप एक डेढ़ हजार दो हजार भी नहीं पढ़ेंगे यार, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक दे रहे हैं, 100,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और भी कितने बैठेंगे, तो यार 2,500 तो आपको होना ही चाहिए जल्दी से, ठीक है। देखो यार, आज मैंने विक्रम सर से वादा किया था कि सर आप बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है आरओ यारो, और सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, टैट सी टैट सुपर टैट सभी बच्चों के लिए ये ऐसा टॉपिक है, तो मैंने सर से वादा किया था कम से कम 2,500-3,000 बच्चे लाइव आएंगे, आप चलिए। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करके, तो बात का सम्मान रखो प्लीज़, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग जितने लोग लाइव हैं सर का एक हौसला अफजाई करिए, सर को मोटिवेट करिए, और सब लोग जितने लोग बिल्कुल ये गुरु दक्षिणा समझो, अपनी गुरु दक्षिणा समझ लो, ठीक है। हाँ गुरु दक्षिणा समझो, तो इसको जितने लोग भाई बहन लाइव हैं सब के सब धुआंधार दो दो तीन तीन चार चार बार शेयर कर दो, तीन चार बार पांच बार शेयर कर दो, आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, पांच पांच बार शेयर कर दो, चलो। और सर मैं जो वादा किया हूँ 2,500 कम से कम बच्चे आ जाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये मेरे बच्चे अभी आज संडे को भी सर को मैं ले आया हूँ, बोलिए वादा पूरा होगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। सर को मैं संडे को भी, सर आप देख लीजिए बच्चे जो हैं कम से कम 2,500-3,000 रहेंगे, तो आप वादा पूरा करेंगे कि नहीं आप कमेंट करके बताइए। मैं टाइम नहीं लूँगा, आप सर क्लास लेने जा रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 2,500-3,000 होने चाहिए भाई बहन, ठीक है। हाँ नहीं करोगे तो फिर ये समझो कि फिर जो है वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा, इतना कर लो यार, कभी कभी कहना मान लिया करो प्यार से, ये तो हंस रहे थे, ठीक है। हाँ कम से कम दो के ऊपर तो जाना ही चाहिए, पांच बार सब लोग, कम से कम पांच बार सब लोग शुरू हो जाओ, और 1,000 करने के बाद तो मैं हटूंगा यहाँ से। 1 हुआ कि नहीं पहले ये बताइए, जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करिए, 1 के बाद मैं हटूंगा यहाँ से, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी शेयर करो, बहुत जल्दी फॉरवर्ड करो, 1 के बाद मैं हटूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा, ठीक है, संगम की धरती से आशीर्वाद भी, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद, माँ गंगे का कुछ आशीर्वाद है, कुछ प्यार स्नेह है, जो चंद्रा के प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं, एक्सपर्ट का कुछ है, तो बेटा हाँ वन करिए फिर मैं हटूँ, जल्दी से जल्दी वन करो, जल्दी से वन हुआ कि सर, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, क्विक क्विक क्विक, एक भाई बहन पांच बार, सर को कुछ कुछ वादा करके लाया हूँ, वो वादा पूरा करो आप। हाँ इसलिए आपको मैं बोलना पड़ गया, मुझे आना पड़ गया, सर को मैं वादा करके लाया हूँ, और मुझे विश्वास था कि आपका एग्जाम है तो आप
वन जल्दी करो, मैं जाऊं सर अपना स्टार्ट करें जल्दी से क्विक बहुत फास्ट, 5 बार 6 बार सब लोग कर दो, 5 बार 6 बार कर दो जल्दी से करो, वन करो बस, केवल 30-40 बचे हुए हैं, केवल 30-40। अरे जल्दी करो यार, तुम लोग क्या करते हो, जल्दी करो, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं संगम की धरती से ढेर सारा, ईश्वर करे आप सफल हो, सक्सेस हो, माँ गंगे का आशीर्वाद है, सरस्वती जी का आशीर्वाद है, कई बार तो जो परीक्षाओं में आपको पढ़ा दिया गया है वही सब आ गया है, आपने देखा है कई बार तो पैसे सीधे पैसे तक फंस गया सीधे सीधे, तो चंद्रा का जो नाम आगे बढ़ा है वो प्रश्नों को फंसने के कारण बना है। चंद्रा के जो एक्सपर्ट हैं विक्रम सर अभी बताएंगे कि विक्रम सर खुद पढ़ाते हैं, खुद सिलेक्टेड हैं TGT, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं चार पांच एक्सपर्ट होते हैं बैठते हैं वो कितनी मदद करते हैं वो अभी विक्रम सर आपको बताएंगे कितना रोल होता है एक्सपर्ट का, ये जान लीजिए। जो प्रश्नों को फंसाने वाले एक्सपर्ट होते हैं, जो बैक में होते हैं प्रश्नों को फंसाने वाले एक्सपर्ट, बिल्कुल चंद्रा में होने का ये अस्तित्व होता है कि हाँ बैक में एक्सपर्ट होते हैं वो प्रश्नों को फंसाने में सपोर्ट कर देते हैं। यस, ये एक चीज है जो डिफरेंट करती है। वन हो गए, बस केवल 10 बचे हैं, जल्दी करो प्लीज सभी भाई बहन, आज विक्रम सर आपके लिए मेरे रिक्वेस्ट पर RO टेट सी टेट सुपर टेट हो गए। बस मैं जा रहा हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ये 2500 हाँ जो आपने कर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। और 2500 यस 2500 मैं देख रहा हूँ, यस सर धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि सर ने कहा, दोस्त हम केवल अकेले नहीं काम करते हैं, हमारे साथ एक लंबी टीम लगी होती है जिनको जो प्रश्न छांट के हमें दिखाते हैं कि सर देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर इस बार इस पैटर्न पर क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, सर यह पैटर्न जरूर डिस्कस करिएगा, सर ये चीज डिस्कस करिएगा, तब बेटे हम लाते हैं। और मैं प्रश्न की बात नहीं करता, कई बार माता रानी का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि सीधे हम लोगों ने 6-7 दिन BEd पढ़ाया, 6-7 दिन में लगभग हिंदी में सारा क्वेश्चन जो था BEd का जितना पढ़ा दिया गया उसी पैटर्न से, बिल्कुल कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट हूबहू फंस गए प्रैक्टिस से। तो मेरे दोस्त यही नहीं, RO में हम प्रैक्टिस भी देंगे आपको, केवल विशेषण की, अभी तो केवल आपको थियरी पढ़ा के बता रहा हूं, मैं इसका केवल विशेषण का 2-3 दिन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो दोस्त अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अगर 10 नंबर का हमने 10 नंबर की जिम्मेदारी ली है तो वो 10 नंबर की जिम्मेदारी हम बिल्कुल निभाएंगे हर कदम पर, ठीक है। आप बस शेयर करते रहें, आप भाई बहन हौसला बढ़ाए रखें मेरे बच्चों, क्योंकि देखो मेरे बाबू मैं एक बात बहुत हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, मेरे भाई बहन मेरे बच्चों, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे, हफ्ते में एक दिन मिलता है लेकिन फिर भी हम आपके लिए आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए खड़े हो जाते हैं बेटे कि इसी का नाम चंद्रा इंस्टीट्यूट है, चंद्रा इंस्टीट्यूट नहीं है बेटा, चंद्रा एक परिवार है जो अपने हर उस भाई बहन का ध्यान रखता है जो उससे जुड़ा है, ठीक है। तो चलो दोस्त मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, आगे चलूंगा, और मैं देख रहा हूं सारे भाई बहनों ने मेरे सही उत्तर किया सड़क के लिए। देखो बेटा अब इसमें सड़क शब्द संज्ञा है, सड़क शब्द क्या है, संज्ञा है, ठीक। अब संज्ञा सड़क की विशेषता है कि वह लंबी है, इसलिए लंबी शब्द क्या है, विशेषण है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, लंबी शब्द क्या है मेरे भैया, विशेषण है। मजा आया। अब बताओ विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, तो लंबी किसकी विशेषता बता रही है, तो आप कहोगे गुरु जी लंबी सड़क की विशेषता है कि वह लंबी है, इसका मतलब सड़क शब्द क्या है, विशेष्य है। अच्छा अभी मैं देख रहा था कमेंट, मेरे एक भाई ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मेरे एक भाई ने लिखा कि गुरु जी क्या हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होते हैं। मेरे भाई का प्रश्न बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो है उन्होंने कहा कि सर क्या हम यह कह सकते हैं कि वाक्य में आए जो है संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होते हैं। तो दोस्त देखो मैं आपको एक बात बता दूं, वास्तव में विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की, तो आप चाहें तो यह बात कह सकते हैं, पर सब नहीं, सब नहीं। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहां डिस्कस कराए, चलो एक प्रश्न और लेता हूं फिर मजा आएगा। अब 2 क्वेश्चन हो गए, एक विशेषण एक विशेष्य, अब तीसरा यहीं से जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और, मैंने क्या कहा, मेरे प्रश्न को दिमाग में रखना मेरे बच्चे और आगे बढ़ना, जान लगा दूंगा यार 10 नंबर के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा, और नहीं जाएगा बाहर ये भी लिख के ले लो,
ठीक है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता सीधा प्रश्न, पर पैटर्न वही होगा। ठीक है, तो चलो दोस्त देखो मैंने क्या कहा, मेरे भाई ने मुझसे प्रश्न किया कि सर क्या वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम को विशेषक कह सकते हैं, तो मैं अब एक विशेषक का और उदाहरण लेता हूं। पीछे आपने एक उदाहरण देखा, एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है जो संज्ञा की विशेषता है, विशेष है, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं, फिर आगे बात करूंगा। चलिए उदाहरण नंबर 3, क्वेश्चन भी होगा ये, मां ने दो किलो आलू खरीदा। सिंपल सा एक प्रश्न लिया मैंने, यारों का प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। ठीक है, इसमें पूछा कि मां ने 2 किलो आलू खरीदा, इसमें विशेष्य क्या है। विकल्प में दिया मां, विकल्प में दिया 2 किलो, और विकल्प में दिया आलू, और विकल्प में दिया खरीदा। जल्दी उत्तर करें। मां ने 2 किलो आलू खरीदा। अब देखो बेटा इस वाक्य में मां एक संज्ञा है, मां ने दो बार हो गया ना, ने को हटा दीजिए। ठीक है, चलिए इस वाक्य में मां एक संज्ञा है, एक संज्ञा कौन है, मां है। ठीक, एक संज्ञा, मेरे मित्र मैं आपका उत्तर दे रहा हूं समझ लेना, एक संज्ञा आलू है। अब यहां से तीसरा प्रश्न जोड़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं मेरे सारे भाई बहन 2 किलो 2 किलो, अच्छा ये आलू 2 किलो विशेष होगा ना शिवांगी मेरी बेटी, 2 किलो तो जो है विशेषण होगा ना मेरे बच्चे, हम विशेष से पूछ रहे हैं बाबू, हम विशेषण नहीं पूछ रहे हैं मेरे बच्चे, नहीं पूछ रहे हैं विशेष शिवांगी बिल्कुल, लेकिन मैं देख रहा हूं सारे मेरे भाई बहन सही उत्तर दे रहे हैं आलू। क्यों, अब देखो बेटे एक संज्ञा है आलू, आलू की विशेषता है कि वह 2 किलो है, क्लियर, 2 किलो है। अब यहां देखो 2 किलो है तो 2 किलो किसकी विशेषता बता रहा है, आलू की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब आलू विशेष्य है। पर आपने जो प्रश्न किया कि सर क्या हर संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में जो आए वो विशेष्य हो सकता है, तो दोस्त इसका उत्तर है नहीं। हर विशेष्य संज्ञा होता है, पर हर संज्ञा विशेष्य हो यह जरूरी नहीं। एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूं, आपके व्यवहारिक जीवन से उदाहरण दूं, एक बात बताओ बेटे, जो है बारात में 200 लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बारात में 200 लोग जाते हैं, लेकिन क्या 200 के 200 दुल्हा होते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर 200 दुल्हा कैसे होते हैं, जब 200 दुल्हा हो गए तो बराती कौन होगा। है भाई बारात में 200 लोग जाते हैं, पर दुल्हा वही होता है जिसको दुल्हन मिलती है, बाकी जिसको दुल्हन नहीं मिलती वो भाई आदमी सब होते हैं, आदमी दुल्हा भी होता है, आदमी बराती भी होते हैं, पर जिसे दुल्हन मिलती है उस आदमी को दुल्हा कहते हैं, जिसे दुल्हन नहीं मिलती उस आदमी को दुल्हा नहीं कहते। सही कहा मैंने, उसी तरह से वाक्य में चाहे 10 संज्ञा आ जाएं, जिस संज्ञा के साथ दुल्हन रूपी विशेषण बैठेगा, विशेषण रूपी दुल्हन बैठेगी जिस संज्ञा के साथ, वही संज्ञा विशेष्य होगा, जिस संज्ञा के साथ विशेषण नहीं लगेगा वो विशेष्य नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए यहां संज्ञा मां भी था, पर मां विशेष्य नहीं है, क्यों, क्योंकि मां के साथ कोई विशेषण नहीं। तो याद रखना बेटे वाक्य में आया हर संज्ञा सर्वनाम पद विशेष्य हो यह जरूरी नहीं है, वही विशेष्य होगा जिसके साथ विशेषण होगा, और जिसके साथ विशेषण नहीं होगा वह विशेष्य नहीं होगा। अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिया, एक विशेष्य एक विशेषण, अब मैं चलता हूं तीसरे प्रश्न की ओर। अब जो पॉइंट मैंने नोट अभी आपको बताया या पॉइंट मैं नोट करके लिखता हूं, नोट करना इसे, वाक्य में आया हर संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेष्य नहीं होता, वाक्य में आया हर संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेष्य नहीं होता, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ विशेषण होता है,
जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ विशेषण होता है वही विशेष्य होता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ विशेषण होता है वही विशेष्य होता है। यह जरूर नोट करना बेटे, क्योंकि अब इस आपके यहां जो तीसरा प्रश्न आएगा वो यहां से आएगा। बिल्कुल दुल्हा दुल्हन वाला मजा आया हो तो शेयर करना भैया। देखो अब सर ने कहा तो आपने 1000 पहुंचा दिया, 1100 पहुंचा दिया, फिर 1100 पर आकर रुक गए, तो यार एक बार शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो 1200 1300 1400। हाँ देखिए जैसे अब जो है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं व्यवहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट आपके व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर बताऊंगा। चलो बेटा देखिए अब प्रश्न नंबर 3 आपके यहाँ आ रहे हैं। क्या मैंने कहा प्रश्न देता है आपसे पूछता है, चलिए अगर आप यह संख्या 2000 पहुंचा देते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम विस्तव आपको जो है पूरा का पूरा विशेषण का टॉपिक एकदम निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल दोस्त आप जानते हैं विशेषण आरओ लेवल पर मात्र 2 घंटे में कवर नहीं हो सकता, तो मैं आगे जो क्लास होगी वह भी बिल्कुल एकदम इसी तरह से निःशुल्क दी जाएगी, पूरी ऊर्जा पूरी ताकत के साथ आप 2000 पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, शेयर करिए शेयर करिए। चलिए दोस्त आपके यहां प्रश्न आता है, क्या सुंदर सड़क या आता है लंबी सड़क। मैं यही नहीं यार, आप इससे समझ सकते हैं कंपटीशन का विशेषज्ञ कि मैं इतना बताता जा रहा हूं कि यह पहला प्रश्न बनेगा, यह दूसरा प्रश्न बनेगा, यह तीसरा प्रश्न बनेगा, यहां तक बता रहा हूं। पहला प्रश्न विशेषण पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न भी हो सकता है विशेषण पूछे, तीसरे में विशेष्य पूछा जाएगा, और चौथे देखिए आरओ का पेपर उठाकर चौथे प्रश्न में पूछा जाएगा कितने विशेष्य और कितने विशेषण है। जो मेरे भाई बहन आरओ रेगुलर दे रहे हैं बताए मैं गलत कर रहा हूं, तो मैं एक एक प्रश्न देख कर आया हूं यार, कहां कहां से आएगा कैसे आएगा, तो इतने पर तो शेर बनना है यार। ठीक है चलो दोस्त, लंबी सड़क पर 4 लड़के, लंबी सड़क पर 4 लड़के दौड़ रहे थे, लंबी सड़क पर 4 लड़के दौड़ रहे थे। अब पूछेगा इसमें विशेष्य व विशेषण की संख्या बताइए, इसमें विशेष्य व विशेषण, प्रश्न नंबर 3 अब डिस्कस कर रहा हूं आपसे, विशेष्य व विशेषण की संख्या बताइए बताइए। चलिए अच्छा अब देखिए बेटे, जब भी सुना एक ट्रिक आपको बता दूं, मैंने कहा था ना जब भी वाक्य देखिए पुलिस क्या करती है, जैसे उसके इलाके में कोई चोरी हुई तो वो क्या करती है, इलाके के कुछ चोरों को वो हमेशा अपनी निगरानी में रखती है, तो अगर बहुत जरूरी हुआ सामान बरामद करना तो वो पहले उन लोगों को उठा लेती है और उठा के पहले पूछती है 2-2 थप्पड़ मार के बता तूने किया तूने किया तूने किया, तो वो कहते हैं सर हमने नहीं किया। अच्छा तूने नहीं किया तो तुम्हारे जानने वाले किसी ने किया होगा, कोई नया उभर रहा है उसने किया होगा, तो वो कहता है सर एक फलानवा एकदम बहुत नया उभर रहा है, हो सकता है उसने हाथ मार दिया हो, पकड़ ला उसको भी ना, और इस तरह से पुलिस पकड़ लेती है। तो बिल्कुल पुलिस वाला नियम लगाइए, क्या जब भी विशेषण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए पहला काम करिए जो बता रहा हूं, कभी जीवन में प्रश्न गलत नहीं होगा, वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम को अंडरलाइन कर दीजिए, वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम को अंडरलाइन करिए, सारा राज अपने आप खुल जाएगा। तो देखो बेटा पहले कुछ पूछे, विशेषण पूछे, विशेष पूछे, संख्या पूछे, कुछ पूछे, पहले संज्ञा सर्वनाम को अंडरलाइन करना बेटा। तो देखो एक संज्ञा सड़क है मेरे बच्चे और एक संज्ञा लड़के है ना मेरे भैया ना, 2 संज्ञा है ठीक है, एक संज्ञा क्या है सड़क है और दूसरी संज्ञा क्या है लड़के है। अब आप देखो मेरे भैया, देखो सड़क की विशेषता है कि वह लंबी है, इसका मतलब यहां लंबी शब्द क्या है, यहां लंबी शब्द विशेषण है, लंबी शब्द क्या है भैया मैं ऊपर लिख देता हूं ठीक है, यहां लंबी शब्द क्या है विशेषण है। अब जब लंबी किसकी विशेषता है सड़क की, इसका मतलब जब लंबी विशेषण है तो संज्ञा होने के कारण और इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही तो सड़क विशेष्य हो गया ठीक है। 4
लड़कों की विशेषता है कि वो चार हैं, इसका मतलब चार क्या है, विशेषण है, और जब चार विशेषण हो गया तो लड़के क्या हो गए, विशेष्य हो गए। अब काउंट कर लो मेरे भैया, एक विशेषण दो विशेषण, एक विशेष्य दो विशेष, इसका मतलब आपका उत्तर है कि इस वाक्य में दो विशेषण व दो विशेष्य क्या है भैया, इस वाक्य में दो विशेषण व दो विशेष्य, क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर तीन शेयर करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल भावना जी, बिल्कुल बिल्कुल भावना जी, कार्तिक जी, इकोरा खान जी, विवेक विवेक जी, विवेक बघेल जी, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल एक बार शेयर जरूर करना मेरे दोस्त, बिना शेयर के मजा नहीं है। देखो दोस्त, जब संख्या बढ़ती रहती है, चाहे 10-10, 5-5 करके ही जब संख्या बढ़ती रहती है, तो हमें भी थोड़ा सा एक वो उत्साह बना रहता है। तो ये आसान सा प्रश्न दिया विशेषण विशेष्य से रिलेटेड, क्लियर। चलिए अब आगे और चलते हैं, क्वेश्चन आपके लिए, आपके आरओ यारो में आया प्रश्न है, पेड़ की हरी डाल पर, पेड़ की हरी डाल पर चार बंदर, पेड़ की हरी डाल पर चार बंदर झूल रहे थे, ठीक है। देखिए विक्रम सर ने घोषणा कर दी है 2000 पर, 2000 कम से कम लाइव कर लो तो सारा विशेषण टॉपिक फ्री डेली, अभी टाइम टेबल जस्ट बता देंगे, बस क्लास के अंत में बता देंगे, लेकिन 2000 कर लो, 2000 जैसे ही कर लोगे टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, पूरा विशेषण टॉपिक फ्री ऑफ कास्ट। अब नहीं कर पाते तो आप जिम्मेदार हो, सपोर्ट करो यार, ठीक है, सर से मैंने वादा किया है, हाँ वादा को पूरा करिए, प्लीज सपोर्ट, ओके। अब आपकी जिम्मेदारी है पूरा कंप्लीट विशेषण फ्री ऑफ कास्ट, अब आपको और क्या चाहिए, बोलो। सर ने खुद कह दिया, मैं भी बोल दे रहा हूं, अब तो ये बात झूठी नहीं होगी ना, 2000 करने पर, लेकिन 2000 करने पर ये बात, हाँ ये है। थैंक यू सर। चलिए दोस्त, तो देखिए सर ने कहा बिल्कुल 2000 आप करिए, सारा टॉपिक विशेषण का पूरा काम फ्री ना, और ये नहीं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी मैं 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस, अभी तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जब इसको माजूंगा रगड़ूंगा तब निखरेंगे आप, तब चमक आएगी, तब आपको लगेगा कि अब तो आरंभ विशेषण ऐसे मार दिया चुटकी बजा के धड़ाम से, ठीक है। तो चलो दोस्त, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, 2000 पहुंचाइए। चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं, देखो कह रहे हैं पेड़ की हरी डाल पर चार बंदर झूल रहे थे, विशेष आपके यहां आया पे। अब इसमें पूछा था कि विशेषण और विशेष्य की संख्या, मैंने बता दिया प्रश्न में विशेषण और विशेष्य की संख्या, चलिए आप जल्दी से बताइएगा कितने विशेषण कितने विशेष्य, आप भी उत्तर करिए। देखो बेटे मैंने कहा था पहले संज्ञा अंडरलाइन करो, एक संज्ञा पेड़ है, एक संज्ञा डाल है, एक संज्ञा बंदर है, क्लियर हो गया। अब देखो भैया पेड़ की कोई विशेषता बताई गई है मेरे बाबू, आप कहोगे नहीं सर पेड़ होता मोटा पेड़, हरा पेड़, सूखा पेड़, लंबा पेड़, पतला पेड़, कुछ होता तब तो पेड़ की विशेषता होती, कोई बात नहीं। डाल की विशेषता है कि वह हरी है, इसका मतलब हरी शब्द विशेषण है, और हरी किसकी विशेषता बता रहा है, डाल की, इसका मतलब डाल विशेष्य है, तो एक विशेषण एक विशेष्य यहां मिला। बंदर की विशेषता है कि वह संख्या में चार है, इसका मतलब चार विशेषण है, और जब चार किसकी विशेषता बताया बंदर की, इसका मतलब बंदर विशेष्य है, तो कहने का मतलब एक विशेषण हरी, देखिए मैं बकायदे यहां लिख दे रहा हूं, एक विशेषण हरी और एक विशेषण हो गया चार, ठीक, एक विशेष्य हो गया डाल और एक विशेष्य हो गया बंदर। इस तरह से आप देख रहे हैं इस वाक्य में दो विशेषण और दो विशेष्य, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बाकी आपकी मर्जी। और मैं देख रहा हूं गजब एकदम रूपा जी, क्या रेनू जी, रेनू जी जो है बिल्कुल जो है शुक्ल क्या जो है बिल्कुल दिवेश दिनेश जी आशुतोष जी, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं हम थकते भैया आशीष जी, हम बिल्कुल नहीं थकते,
हम बिल्कुल नहीं थकते, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी ऊर्जा हैं, आप संख्या बढ़ाते रहिए। अगर मैं 4 घंटा पढ़ाऊं एनर्जी लेवल जरा सा लो चला जाए तो बताना, ठीक है? कोई नहीं, चलिए दोस्त आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपके यहां आया हुआ क्वेश्चन है, आरओ का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोग इसको गलत करके आए थे। समुद्री सांप का जहर समुद्री, एक मिनट, समुद्री सांप का जहर, समुद्री सांप का जहर, जहर या विष कर दीजिए, समुद्री सांप का विष घातक, किंतु समुद्री सांप का विष घातक किंतु कीमती होता है। समुद्री सांप का विष घातक किंतु कीमती होता है। अब इसमें पूछा था बेटे, आप लोग फटाफट उत्तर करें, इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, जल्दी बताइए। अच्छे अच्छे इस प्रश्न में चकरा गए थे, कुछ नहीं, मेरी आइडिया लगाइए, मेरी आइडिया लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। संज्ञा को पहले उसका मुंह पकड़ लीजिए ना, संज्ञा का मुंह पकड़ लीजिए, उसके मुंह पकड़ के काला करिए, काला करिए, पोतिए ऐसे 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 ऐसे। जब पोतेंगे तो जो उसके अगल बगल रहेगा वो चिल्लाएगा नहीं, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हटो 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 हटो, तो बस समझ में आ जाएगा कि जो चिल्लाया वो विशेषण है, ठीक है? तो हमने पहली संज्ञा पकड़ा सांप। अब जैसे सांप का कान आई था, ये तुरंत कूद पड़ा समुद्री वाला, है भैया ये हमारे यहाँ रहता है, ये समुद्र में रहता है, काहे लिए इसको मार रहे हो, काहे लिए पीट रहे हो, तुम्हारे घर थोड़ी रहता है। इसका मतलब समुद्री सांप की विशेषता है ना? आगे बताता हूं। विष, जैसे ही हमने विष को पकड़ा, कूटना शुरू किया, तुरंत घातक खड़ा हो गया, हे भैया बहुत बहुत जहरीला है ये, छू रहे हो इसको जान से जाओगे ना। तब तक इधर आ गया कीमती, ठीक है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल आपको जो है, यस बिल्कुल। देखिए दोस्त, आप देखिए, जैसे ही हमने कहा, जैसे ही हमने कहा ये कीमती, जैसे कीमती को कहा हमने, तुरंत क्या हो गया, तुरंत क्या हुआ भैया, कि कीमती ने कहा, अरे यार ये विष तो बहुत कीमती है, क्यों उसको मार पीट रहे हो, ये तो बड़ा अच्छा है ना, इसका मतलब घातक और कीमती। अब देखो बेटे, सीधी सी बात है, एक संज्ञा सांप है और एक संज्ञा विष है, ठीक? सांप की विशेषता है कि वह समुद्र में रहता है, समुद्री है, इसका मतलब एक विशेषण आपका, एक विशेषण आपका कौन सा है, समुद्री। और जब समुद्री विशेषण है तो विशेष्य क्या हो गया, सांप। फिर एक विशेषण संज्ञा घातक विष है, विष की विशेषता है कि वह घातक है प्लस वह कीमती है, इसका मतलब घातक भी एक विशेषण है और कीमती भी एक विशेषण है ना, और इन दोनों के सापेक्ष विशेष्य क्या है, विष। तो इस तरह से आपने देखा, यहां 2 विशेष्य हैं और 3 विशेषण हैं, यही इसका सही उत्तर है। और मैं देख रहा हूं 2-3, क्या बात है राजकुमार जी, क्या बात है नीरज जी, क्या बात है बबीता जी, क्या बात है इकोरा जी, पवन जी, आप लोगों ने दिल जीत लिया यार। देखिए भैया, सीधी सी बात है, जो है आप 2000 जल्दी करिए, वरना ये भी है कि आपको ये जो है भैया, यहां तो देख रहे हैं पर अगर इसके बाद ये वीडियो प्राइवेट कर दिया गया तो प्लीज मुझे ना कहें, ठीक है? बिल्कुल 2000 की संख्या पहुंचाइए, आपको सब निःशुल्क और सारी प्रैक्टिस निःशुल्क और सारा कुछ बिल्कुल। हम प्रयास करेंगे, समय रहा तो एक आध टॉपिक और कवर करा लेंगे, ठीक है? तो चलिए, आपको 2000 पहुंचाना है, बस एक बार शेयर करिए। देखिए यार, मेहनत करने पर ना, बिल्कुल जब मेहनत किया जाता है तो आदमी, आप हमसे अपेक्षा रखते हैं, क्यों आप समय दे रहे हैं भाई, आप अपेक्षा रखते हैं कि अगला मुझे पढ़ाएगा, गुरु जी मुझे पढ़ाएंगे तो मेरे प्रश्न फंस जाएंगे, मुझे सिलेक्शन में आसानी होगी। तो हम भी तो आपसे एक सिंपल से अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ा है तो मुझे 10 बच्चे और जोड़ेगा, बस यही चीज तो है बेटे, यही तो एक गुरु शिष्य का संबंध है, यही तो हमारे बीच का आपसी जो है एक रिलेशन है। चलो बेटा, तो बस इसको निभाओ मेरे बच्चे, आप लोगों से बस इतनी ही प्रार्थना है। चलो मेरे बच्चे, समझ में आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो उत्तर दे देगा, मैं उसे जानूंगा कि उससे कभी विशेषण विशेष्य का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। रीना, ये आपके भैया आया प्रश्न है आरओ का, अच्छे अच्छे जो है नाच के भागे थे, अच्छे अच्छे नाच के भागे थे। रीना सुंदर लड़की है, रीना
सुंदर लड़की है। अब पूछा है इस वाक्य में विशेष्य बताइए, पहले विशेष्य बताइए। विशेष्य है नंबर एक रीना, ये सबसे कठिन प्रश्न है, विशेष्य का सबसे कठिन प्रश्न है। जैसे मैंने बताया ना कि नॉर्मल कठिन सब मैं बताऊंगा यार, एक एक पॉइंट आप कहीं विशेषण पढ़े हूं। मैं आपसे केवल शेयर करने की गुहार कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी आप कहीं विशेषण पढ़े हो, दुनिया में कहीं पढ़े हो, अगर उससे 19 लगे तो लिखना कि गुरु जी आप जो है 19 नहीं 22 लगेगा, 22 लगेगा, ठीक है। चलिए, रीना सुंदर लड़की है, इसमें कौन सा विशेष्य है? रीना विशेष्य है, सुंदर विशेष्य है, लड़की, ये विशेष्य का सबसे कठिन क्वेश्चन। विशेष्य में इससे कठिन क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं उत्तर देखना चाहता हूं जल्द से जल्द, और आपका शेयर भी चाहता हूं। चलिए देखिए, काव्यांजलि जी ने रीना कहा, पूजा जी ने लड़की कहा, ए कहा, पूर्णिमा जी ने जो है नेहा जी ने ए कहा, लड़की कहा, साधु जी साधना जी ने, रीनू जी ने सुंदर कहा, सुंदर की बात ही नहीं मैं विशेष से पूछ रहा हूँ, दिव्या अग्रहरी जी ने ए कहा। मुझे पता है यह प्रश्न जब आता है ना तो अच्छे अच्छे की नैया डोल जाती है। आधे लोग लड़की कहेंगे, आधे लोग जो है रीना कहेंगे, आधे लोग कुछ कहेंगे। दोस्त मैं बता रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर, सुनिए, ट्रिक बता रहा हूं। जब विशेषण कहीं ऐसी जगह फंस जाए जिसके जस्ट आगे पीछे संज्ञा पद हो, गौर से सुनना, जब विशेषण ऐसी जगह फंस जाए जिसके जस्ट आगे पीछे संज्ञा पद हो, तो आपको तुरंत एक काम करना है। क्या काम करना है? दोनों के साथ पढ़िए, देखिए ऐसे पढ़िए और फिर ऐसे पढ़िए, मतलब विशेषण संज्ञा विशेषण विशेषण संज्ञा पढ़कर देखिए, जो सही लगे समझ लेना वही सही है। रीना सुंदर, सुंदर लड़की, क्या अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में? रीना सुंदर, सुंदर लड़की, कौन सा अच्छा लग रहा है? तो आप कहोगे सर सुंदर लड़की, इसका मतलब लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है, लड़की विशेष है। ठीक है, रीना सुंदर लड़की है। वैसे भी देखो बेटे, रीना की कोई विशेषता नहीं, सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है। एक ट्रिक और बता दूं, जब कोई दिमाग ना काम करे तब ये आइडिया अपनाना। क्या? यदि विशेषण दो ऐसे संज्ञा पदों के बीच फंस जाए जहां आप ये क्लियर ना कर पा रहे हो कि इसकी विशेषता है या इसकी विशेषता है, तो दोस्त मैं बता रहा हूं, हमेशा पीछे वाले को विशेष्य मारना, उत्तर सही निकल जाएगा। जब विशेषण दो ऐसे संज्ञा पदों के बीच फंसे कि पता ना पा रहे हो कि इसकी विशेषता है या इसकी, तो मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, पीछे वाले को विशेष्य मार देना, उत्तर सही निकल जाएगा। और उदाहरण देकर दिखाता हूं। चलो दिनेश शरारती, एक साल ये भी आया, दिनेश शरारती बालक है। अब पूछा कि इसमें विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है? नंबर एक दिनेश, नंबर दो शरारती, नंबर तीन बालक, नंबर चार है। चलो बेटा उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए। बालक कहा प्रिया जी ने, बालक कहा इकरा खान जी ने, बिल्कुल बालक कहा विवेक जी ने, बालक कहा जो है लक्ष्मी जी ने, तो प्रिया जी बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो। देखो बेटा सेम वही कंडीशन है, मान लो आप दिनेश भी संज्ञा है, देखते ही आपने देख लिया, और बालक भी संज्ञा है, और इन दोनों के बीच में फंसा है शरारती विशेषण। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शरारती किसकी विशेषता है, तो मैंने पहली ट्रिक जो बताई दिनेश शरारती या शरारती बालक, तो आप कहोगे सर शरारती बालक, इसका मतलब ये बालक की विशेषता है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर नहीं काम किया दिमाग तो पीछे वाले को विशेष्य मार देना, उत्तर सही निकल जाएगा।
ऐसा एक प्रश्न आता ही आता है आरओ में, और यह प्रश्न आने पर अच्छे अच्छे खराब जो है गड़बड़ हो जाते हैं, अच्छे अच्छे गलत कर जाते हैं। तो देखो बेटा, मैंने तीन क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, विशेषण निकालना, विशेष्य निकालना और विशेषण और विशेष्य की संख्या निकालना। तीन प्रश्न आपसे डिस्कस कर लिया मैंने। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, विशेषण के भेद। प्रश्न नंबर चार की ओर चलते हैं, क्या है विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण के भेद। अब यह प्रश्न तो बहुत आसान प्रश्न है, और आप जानते हैं हर परीक्षा के लिए एक आउट सा क्वेश्चन होता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन रटते हैं और रटने के बाद भुला जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैंने कहा कभी मत रटिएगा, लिखिए विशेषण और करिए काउंट, 1 2 3 4। अब कभी भूलेगा कभी नहीं। विशेषण लिख के गिन दीजिएगा, 1 2 3 4। इसका मतलब विशेषण के कितने भेद हैं, 4। कभी भूलेगा, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो शेयर करना। इतना आसान याद करा दिया आपको, कभी नहीं भूलेगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, मैं बता दूं आपको। सबसे पहला होता है बेटे सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है, नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 क्या होता है भैया, नंबर 2 होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, यही नहीं, हम आपको यहां तक बताएंगे यार कि किस किताब में क्या लिखा है और कहां सही मानना है कहां गलत मानना है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 आपका है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तो 4 हो गए, कौन कौन से, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि निम्न में कौन विशेषण का भेद नहीं है, 3 दे दिया, 1 कोई अलग दे दिया। ठीक है, तो जो है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो है क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, इसमें से 1 पूछ लेगा, तो ध्यान रखना ये 4 ही भेद हैं। अब सुनना बेटे, अब यहां एक बात और गौर से सुनना, क्या सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण। अब आप जब किताबों में पढ़ेंगे, मैं यह भी बताऊं, मैंने कहा ना कहां क्या, आप ज्यादातर मेरे भाई बहन वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब पढ़ते हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चित किताब वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक है, आप ज्यादातर भाई बहन पढ़ते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद जी विशेषण के 3 भेद मानते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने परिमाणवाचक विशेषण को विशेषण का भेद नहीं माना है, उन्होंने संख्या को ही 2 भागों में बांटा है, संख्या और परिमाण। ठीक है, बट दोस्तों जब भी किसी परीक्षा में यह प्रश्न आया है, हर बार 4 उत्तर ही माना गया है ना, इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा, मैंने आपसे कहा ना यार मैं इतना प्रिपेयर होके आया हूं, इतना प्रिपेयर कि यह तक बताऊंगा किस किताब को आप पढ़ते हैं कहां गलत है या कहां क्या कर मानना है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको लगे कि सच में सर हमारे लिए ईमानदारी से मेहनत करके आए, तो एक शेयर जरूर करिएगा। देखिए विशेषण के 4 भेद हैं, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चलिए अब मैंने बता दिया कि जो मेरे भाई बहन वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब पढ़ते हैं वो कतई कंफ्यूज ना हो, उन्होंने 3 ही लिखा है, उन्होंने परिमाण को संख्या में माना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब भी यह प्रश्न आया 4 उत्तर माना गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, आप क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़, ऐसा नहीं है। और देखो बेटा जुगाड़, जुगाड़ मैं बताऊंगा कैसे एकदम जुगाड़ करना है। चलो भाई मेरे भैया, चलो अब पहली हेडिंग डालते हैं, नंबर 1 हेडिंग डालते हैं सार्वनामिक, नंबर 1 हेडिंग डालते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या हेडिंग डालते हैं, सार्वनामिक विशेषण। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, सार्वनामिक शब्द पर पहले आओ, ये शब्द सर्वनाम धन इक, सर्वनाम में इक प्रत्यय लगकर बना है। सर्वनाम का मतलब आप जान गए ना, सर्वनाम माने जो संज्ञा के साथ आते हैं या संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक, सर्वनाम तो इक, और ये हो गया आपका विशेषण। अब देखो बेटे
अब देखो कैसे यहीं से जुगाड़ से परिभाषा निकाल देंगे। सर्वनाम इक माने जब हमने अपने से जोड़ दिया बने, विशेषण माने विशेषण। अब समझ गए बेटे, अब क्लियर हो गया सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्लियर हो गई क्या? जब सर्वनाम विशेषण का काम करता है, जब सर्वनाम विशेषण होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब जब कोई सर्वनाम ऐसा आ जाए कि वो संज्ञा की विशेषता बताए, जब कोई सर्वनाम ऐसा आए कि वो संज्ञा की विशेषता बताए, वो संज्ञा की विशेषता बताए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहां से परिभाषा से सब क्लियर हो गई, रटना कुछ नहीं, मैंने यहीं से तोड़ के आपको दिखा दिया। और याद रखना बेटे, जो ऐसे व्याकरण पढ़ाए समझो वही व्याकरण का असली टीचर है, उसका रीजन रटने वाली बात तो किताबी ज्ञान हो गया। मैंने किताबी ज्ञान नहीं दिया, मैंने बताया सर्वनाम धनिक सार्वनामिक धन विशेषण, सर्वनामिक माने जब बने, विशेषण माने विशेषण, अर्थात जब कोई सर्वनाम विशेषण का काम करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से हम बेटे यहां से बना सकते हैं परिभाषा क्या, जब कोई सर्वनाम, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आप डर रहे होंगे कि हमने तो विशेषण पढ़ा ही नहीं, सर्वनाम पढ़ा ही नहीं, कैसे जान पाएंगे? घबराइए नहीं, जुगाड़ है, जुगाड़ है। जुगाड़ नंबर एक है, देखते ही बता दोगे आप, देखते ही धड़ाम से आप मारोगे, मेरी गारंटी है। चलो, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, जब कोई सर्वनाम विशेषण का काम करता है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि यार सर्वनाम संग कैसे विशेषण बनेगा? देखो बेटा, सर्वनाम का सर्वनाम की परिभाषा क्या, यही एक भेद आपको समझना है बस, बाकी तीन में कुछ नहीं, तीन ऐसे एकदम चुटकी बजा के खत्म हो जाएगा, बस यही एक भेद समझना है क्या। जब सर्वनाम विशेषण का काम करे तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब कोई सर्वनाम विशेषण का काम कैसे करेगा? आप तो कहोगे कि यार सर, हम तो आज तक परिभाषा पढ़ते हैं सर्वनाम संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है, और आप कह रहे हैं सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएगा, तो गुरुजी ऐसा कैसे है? तो सुनना बेटे, हर सर्वनाम संज्ञा के साथ, संज्ञा के बदले नहीं आता। संज्ञा के बदले मतलब समझ रहे हैं, संज्ञा को हटा करके। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, यहां समझाऊं, अगर मैं कहूं कि मैं आगरा जाऊंगा, शेयर करना। अब देखो बेटे, यहां जो मैं शब्द आया है वो मेरे नाम के बदले आया है, जैसे इसका मतलब है विजय आगरा जाएगा, मैंने अपना नाम नहीं रखकर मैं रखा है, तो इसका मतलब यहां मैं शब्द मेरे नाम अर्थात विजय के बदले आया है। और जब विजय के बदले आया है तो जो संज्ञा के बदले आता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो आप कहोगे कि गुरु जी, अब सर्वनाम तो संज्ञा के बदले आता है, फिर संज्ञा के साथ कैसे आएगा? तो दोस्त, हर सर्वनाम संज्ञा के बदले नहीं आता, कुछ सर्वनाम है जो संज्ञा के साथ आते हैं, और यह नहीं केवल पुरुषवाचक सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले आता है, बाकी सब साथ आते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं, जुगाड़ बताऊंगा, जुगाड़ बताऊंगा, ऐसा जुगाड़ बताऊंगा दोस्त कि आप देखते ही धड़ाम से मार दोगे, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लो मेरे भाई, अगर मजा आए तो। चलो, जैसे मैंने कहा कोई सर्वनाम जब विशेषण का काम करे, जैसे अब मैं आपको उदाहरण दूं मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूं, मजेदार उदाहरण दूं, यह गाय है। अब देखो बेटे, इसमें गाय शब्द क्या है? गाय शब्द संज्ञा है, गाय क्या है? संज्ञा है। और यह गाय है, तो यहां यह शब्द गाय की स्थिति को निश्चित कर रहा है। यह गाय मतलब यह गाय ही है, यही गाय है, यह गाय ही है, गाय को छोड़कर दूसरा कुछ, इसका मतलब यहां यह ने गाय की स्थिति को निश्चित किया। और जब यह ने गाय की स्थिति को निश्चित किया तो जो संज्ञा को निश्चित करता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मतलब, अब सुनो बेटे, देखो इसका मतलब यहां यह जो है वो सर्वनाम है,
सर्वनाम है, और जो उसने गाय की स्थिति को निश्चित किया, यही स्थिति का निश्चित होना उसकी विशेषता भी बन गई। इसका मतलब यहां यह सर्वनाम है प्लस विशेषण भी है, प्लस क्या है, विशेषण भी है। क्यों? क्योंकि जो संज्ञा की स्थिति निश्चित की गई वो उसकी विशेषता बन गई, तो ये सर्वनाम है प्लस विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। थोड़ा सा यह टॉपिक कठिन लगेगा, थोड़ा सा यह टॉपिक कठिन लगेगा दोस्त, क्योंकि यह वास्तव में आप सर्वनाम नहीं पढ़े हैं तो बड़ा कठिन काम लगेगा, बट मैं जुगाड़ बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना बेटे, यही एक पॉइंट 15-10 मिनट धैर्य रखना, बस केवल 10 मिनट धैर्य रखना। चलिए, यस 10 मिनट धैर्य रखना, बस शेयर करना यार, आप लोग एकदम खड़े हो गए हैं ना, अब मैं पूछा प्रश्न आने जा रहा है, बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तत्काल क्वेश्चन आने जा रहे हैं, एक बार जरा सा एक बार, ठीक है। चलो दोस्त, अब मैं एक उदाहरण और लेता हूं, वह घर है, वह घर है। अब आपने देखा कि घर शब्द संज्ञा है, संज्ञा से जस्ट पहले वह आया है, वह माने वह घर ही है, वह संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर रहा है। इसका मतलब यहां वह सर्वनाम है, क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो घर की स्थिति को निश्चित किया कि वह घर ही है, इसका मतलब वह क्या हो गया, घर की विशेषता भी हो गई कि फिक्स कर दिया वह घर ही है। इसका मतलब वह जो है सर्वनाम है प्लस विशेषण है, तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। एक उदाहरण और, दरवाजे पर, घबराइए नहीं, इसी उदाहरण के बाद ट्रिक दूंगा, दरवाजे पर कोई मेहमान, दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा है। अब देखो बेटे, मेहमान संज्ञा है, दरवाजा संज्ञा है, दरवाजे की तो कोई विशेषता नहीं है, पर मेहमान की विशेषता है कि वह कोई, मतलब वह निश्चित नहीं है, पता नहीं मामा है, चाचा है, नाना है, दादा है, काकी है, काका है, पड़ोसी है, कौन है, नहीं पता है, पर कोई तो है। इसका मतलब यहां कोई क्या कर रहा है, मेहमान को अनिश्चित बता रहा है, और जब अनिश्चित कर देगा बेटे तो इसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्लस यह जो संज्ञा अनिश्चित हुई वह उसकी विशेषता भी बन गई। इसका मतलब कोई सर्वनाम है और प्लस क्या है, विशेषण भी है। इसका मतलब कैसा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्त अब सुनना, यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आए, ध्यान से सुनना, यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उस संज्ञा की विशेषता बन जाए तो समझ लेना वो सार्वनामिक विशेषण है। दो कंडीशन है, पहली बात, सर्वनाम जब अकेला आएगा तो कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, सर्वनाम को हमेशा संज्ञा से पहले आना चाहिए। तो जब भी आपसे सार्वनामिक विशेषण का प्रश्न किया जाएगा, पहले आप देखिए क्या कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है, अगर संज्ञा से पहले आया है तो सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम नहीं है तो कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बताता हूं, शेयर करिएगा एक बार तो मजा आएगा, क्वेश्चन आने जा रहा है, बस अब ये कॉन्सेप्ट खत्म है, ट्रिक दे दूं आपको, बस ट्रिक दे दूं, फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट, मैंने क्या कहा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है तो वह प्रायः सार्वनामिक विशेषण होता है। इससे आपका बहुत हद तक काम चल जाएगा। क्या, जब कोई सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है। देखो बेटे, इससे आपका बहुत हद तक काम चल जाएगा। मैं जरा सा पानी पी लूं, एक मिनट बस। क्वेश्चन देखो,
कोई बात नहीं, मैं शेयर करने को नहीं कहूंगा, मर्जी आपकी। आप चाहते हैं कि आपके बाद दूसरे भाई बहन अगर इस वीडियो को देखें तो आप शेयर करके 2000 संख्या पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं, और दोस्त याद रखना, सरस्वती के दरबार की बड़ी निराली बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़ाए बिन खर्चे घट जात, इसलिए दूसरों तक पहुंचाइए, ईश्वर आपका हित करेगा। ठीक है, सर ने कहा ना कि सर आपको प्रयाग की इस पावन भूमि से ये संदेश दे रहे हैं कि आप सभी भाई बहनों तक इसे शेयर करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए, सार्वनामिक विशेषण होता है प्रायः। अब पॉइंट नंबर 2, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं, ध्यान देना, मैं, तू, आप, हम, मेरा, तुम्हारा, ये सर्वनाम कभी भी, असली ट्रिक ये है, कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। कभी भी क्या नहीं होते हैं? कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते। मतलब अगर कहीं, ये असली जुगाड़ ये देखो आप, अगर कहीं आपको मैं दिखे, तू दिखे, आप दिखे, हम दिखे, मेरा दिखे, तुम्हारा दिखे, तो समझ लेना ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण है ही नहीं। अगर आपसे पूछे सार्वनामिक विशेषण तो कभी नहीं। मैं उसका रीजन बता दूं बेटे, ये सब हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम प्लस या आप जो है, ये आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। देखो बेटे, अगर आप पीछे सर्वनाम पढ़े होते तो मैं इन शब्दों में आपको समझाता, लेकिन इसीलिए मैंने इस शब्द में समझाया कि जिसे सर्वनाम का ज्ञान नहीं उसका भी काम चल जाएगा। क्या? कि मैंने कहा कि जब मैं, तू, आप, हम, मेरा, तुम्हारा न, ये शब्द दिखें तो समझ लेना ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि ये पुरुष और निजवाचक है और ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, जब संज्ञा के पहले, ये दो पॉइंट मैं आपको जो दे रहा हूं भैया, ये 3 जो दे रहा हूं ना, ये समझ लेना सार्वनामिक विशेषण की रीढ़ तोड़ दी आपने। जब संज्ञा से पहले यह, वह, ए, वे आता है, जब संज्ञा से पहले यह, वह, ए, वे आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो वह क्या होता है? सार्वनामिक। तो वह क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता। अब बताओ भैया, कितना सटीक तरीका दिया मैंने आपको। मैंने कहा अगर मैं, तू, आप, हम, मेरा, तुम्हारा, ये सब दिखे तो समझ लेना सार्वनामिक नहीं है। यदि संज्ञा से जस्ट पहले यह दिखे, वह दिखे, ए दिखे, वे दिखे, तो सार्वनामिक विशेषण मार देना। मैं बता दूं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव सार्वनामिक विशेषण होते। मजा आया? अगर मजा आया तो शेयर करना। सार्वनामिक विशेषण की रीढ़ तोड़ दी इस तीनों पॉइंट ने। क्या? अगर संज्ञा से जस्ट पहले कोई सर्वनाम है तो प्रायः सार्वनामिक विशेषण होता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, रेयर केस में कभी ना हो पर प्रायः हो जाता है। मैंने कहा मैं, तू, आप, मेरा, तुम्हारा, जो है अगर ये शब्द दिख जाए तो कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अगर संज्ञा से जस्ट पहले यह, वह आए तो समझ लेना हरदम सार्वनामिक विशेषण होगा। प्रायः सार्वनामिक, 99.99% सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, अब इसने आपको क्या किया? रीढ़ तोड़ दिया पूरा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण की। अब प्रश्न पर आते हैं, अब प्रश्न पर आते हैं, अब उत्तर देने को हो जाए तैयार, और एक बार संख्या को जरा सा बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास समय है। ठीक है, शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, बस आप थोड़ा सा एक बार और जोर लगा दीजिए, एक बार और जोर लगा दीजिए मेरे बच्चों। जो है देखिए, चंद्रा इंस्टीट्यूट के प्रयास हमेशा होता है। अभी तुरंत आप देखिए ज्योग्राफी की जोरदार प्रैक्टिस होने जा रही है, जोरदार प्रैक्टिस इसके जस्ट बाद। तो मेरे दोस्त, चंद्रा की मुहिम यही रहती है कि जो भाई बहन दूर दराज इलाके में हैं, जो चंद्रा से जुड़े हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जाए, ताकि वह भी
सफल हो पाएं। अगर दोस्त आप वहाँ से सफल होकर एक बार हमें कहते हैं थैंक यू, तो हमें लगता है जैसे हमने कई हजार को सिलेक्शन दिलवा दिया। ये है चंद्रा की असली मुहिम। तो हमारी इस मुहिम में आप हमारे सहयोगी बने, हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं। चलिए आगे चलें, क्योंकि जब इरादे नेक हों बेटा, जब इरादे नेक हों तो कहने में गर्व होता है, और इरादे नेक हैं। हम चाहते हैं हर हमारा वो भाई बहन जो दूर दराज बैठा है, जो दूर दराज के इलाके में बैठा है, वो भाई बहन भी इन चीजों का लाभ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर वन, हो जाए तैयार देने के लिए उत्तर। यह कलम बाजार से, या यह कलम बाजार में गिरी मिली, यह कलम बाजार में गिरी मिली। ठीक है, अब कह रहे हैं यह को किया है अंडरलाइन, और आपसे प्रश्न किया रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द है। नंबर एक ऑप्शन दिया सर्वनाम, सुनना बेटी, नंबर दो ऑप्शन दिया विशेषण, नंबर तीन ऑप्शन दिया सार्वनामिक विशेषण, नंबर तीन ऑप्शन क्या दिया सार्वनामिक विशेषण, और नंबर चार, जगह नहीं है यहां लिख दे रहा हूं, जो है को ऊपर कोई नहीं लिख दिया, मतलब सीधा ननाप दीज कोई नहीं। चलिए उत्तर दीजिए, प्रश्न नंबर एक शेयर करिए भाई, एक बार शेयर करना मेरे भाई। सार्वनामिक, सत्या जी, सरिता जी, बिल्कुल सरिता जी, जो है मोनी जायसवाल देसवाल जी, क्या बात है, शेयर भी तो करिए। सोनू यादव जी, ठीक है, अजय सिंह जी, अंजू यादव जी, वाई एस चौहान जी, सारे मेरे भाई बहन कह रहे हैं सार्वनामिक। बिल्कुल यार आसान है, कलम शब्द संज्ञा है, और मैंने कहा जब संज्ञा से पहले यह हुआ आए तो सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया। चलिए अब और प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक, मोहन वह लड़का है जो, आपके यहां आरो का प्रश्न है, मोहन वह लड़का है जो कभी हार नहीं मानता। बड़ा बड़ा प्रश्न देकर डराना चाहते हैं, काहे लिए हम डरेंगे यार, काहे लिए डरेंगे। मोहन वह लड़का है जो कभी हार नहीं मानता, वह को अंडरलाइन किया था, और सेम वही प्रश्न रेखांकित शब्द है। बिल्कुल वही ऑप्शन, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, कोई नहीं, बताइए बताइए जल्दी। चलिए सार्वनामिक विशेषण, प्रिया जी, लक्ष्मी जी, जो है बिल्कुल बिल्कुल, अंजलि जी, सिया जी, सिया रानी जी, किरण जी, रितु जी, बिल्कुल, प्रांजल जी, प्रांजल वर्मा जी, दुर्गावती देवी जी, एकदम सही उत्तर दिया सार्वनामिक विशेषण। यार लड़का संज्ञा है, लड़का से पहले वह आया है, सार्वनामिक विशेषण क्या करना है, कोई इसमें जान थोड़ी लेना है, जान थोड़ी देना है, सिंपल सी बात है। अगर संज्ञा से जस्ट पहले कोई सर्वनाम आ जाए और उस संज्ञा से जुड़ रहा हो तो समझ लेना वह लड़का, मोहन वह लड़का है, मतलब मोहन वही लड़का है, लड़के की विशेषता है वह, वह क्या है, सर्वनाम भी है और उस लड़के की विशेषता, वही लड़का एकदम फिक्स है, श्योर है, वही लड़का है जो कभी हार नहीं मानता, क्या करना है इसमें, अब आ जाएगा, आएगा। चलिए
चलिए अच्छा, आप दूसरी क्लास के होते तो भैया यहीं ब्रेक होता, पर नहीं, आपको अभी इसके आगे ले चलना है क्या? ये देखिए, अब जो स्मार्ट बोर्ड भी कराए गुरुजी, बहुत पढ़ाए आप, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद, सार्वनामिक, यहां से भी क्वेश्चन आया है आरओ में, सार्वनामिक विशेषण के भेद, ये समझ लेना भैया कि अगर प्याज में 10 परत है तो आरओ एक ऐसा एग्जाम है विशेषण को लेकर कि हर परत से एक प्रश्न आएगा और 10 परत से 10 प्रश्न आएगा। देखो यार, बहुत कष्ट हुआ, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और आप लोग वो वादा पूरा नहीं कर सके, इसका बहुत ही अधिक कष्ट हुआ। हम तो आपको बहुत कुछ देना चाह रहे थे, सोच रहे थे डेली विशेषण का टॉपिक करा देंगे, प्रतिदिन टाइम टेबल दे देंगे, लेकिन आप इतना गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए। मैंने सर से वादा किया था 2000 की संख्या, आज सर हमारे भाई बहन पूरा कर देंगे, आप संडे हैं, कितना सर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो देखो, सर की मेहनत देख रहे हो, कोई कोई एक पॉइंट कोई कह सकता है कि गलत है, कंटेंट देख रहे हो, मैटर देख रहे हो, फंसने वाले प्रश्न। सर ने मुझसे कहा कि सर आप मुझे केवल 5-7 दिन क्लास दे दीजिए, सारे के सारे यहाँ से 10 प्रश्न आते हैं, ये सारे प्रश्न फंसा दूंगा मैं, सर ने मतलब ये प्रॉमिस किया मुझसे। मैंने कहा ठीक है, तो कम से कम यार ये तो सम्मान करो, कह रहे थे सारे के सारे प्रश्न फंसा देंगे सब टोटल। सर ने कहा कि मैं 5 एक्सपर्ट से मैंने बात कर लिया है, जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने बात कर लिया है, ये सारा रूपरेखा मैंने तैयार कर ली है, 5 के 5 प्रश्नों को फंसा देंगे, लेकिन आपको कैसे बताएं, कैसे समझाएं, बताओ कैसे समझाएं। मैं तीसरी बार आ रहा हूं, कभी नहीं आया, कि आज जो है सम्मान मान रख दो, सर को मैंने वादा करके लाया हूं कि मेरे भाई बहनों को सफल कराइए आरओ एआरओ के, लेकिन आप नहीं रख पा रहे हो, क्यों यार ऐसा क्यों? इतना गुरुदक्षिणा, इतना पसीना बाहर, इतना मेहनत कर, इतना गुरुदक्षिणा नहीं दे पा रहे हो, बहुत नाराज कर दिया, बहुत गलत बात है। अब एक बार फिर से ताकत लगाइए, 5 मिनट 7 मिनट में कम से कम 1500 प्लस जाइए, इतना तो कर लो यार, 1500 प्लस कर लो, तब भी हम आपका वादा करते हैं, तब भी हम आपको जो है ये क्लास विशेषण की पूरी क्लास कर देंगे, अब इतना तो कर लो, अब बताओ और क्या करें। चलो इतना भी, सामान्य तौर पे सर क्लास में 2-2500 लोग लाइव हो जाते हैं, क्या भाई, ठीक है, सभी भाई बहनों को, सभी भाई बहन अब यहां से लग जाइए, सभी भाई बहन जितने भी ग्रुप हैं, जितने फेसबुक व्हाट्सएप जो भी टेलीग्राम जो भी जहां कर सकते हो, ठीक है, सभी जगह आपको फॉरवर्ड करना है, सभी जगह, ओके रेडी, हाँ, केवल 1500 तो कर लो, इतना तो कर लो, ठीक है, सर से मैंने वादा किया था, मैं सर को क्या बात करूंगा, फिर विशेषण कैसे, और ये वीडियो जो है अभी आपको जो चलेगा पूरा, लेकिन वीडियो फिर बाद में प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है, चलेगा पूरा, हाँ, वीडियो आप लाइव ही देख पाएंगे, हम आगे 1500 कर लेते हो आप तो आगे और भी करा देंगे, पूरा करा देंगे, ठीक है, हाँ ओके जी, धन्यवाद सर। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं सच बताऊं, जब हम कोई काम बहुत ही जो है मतलब एक तरह से कहिए लोभ से रहित होकर करते हैं, बस सच कहूं बेटा, जब लोभ से रहित होकर कोई काम करते हैं और तब फिर वो काम पूरा नहीं होता तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। मेरे दोस्त बिल्कुल, मैं आप लोगों से वास्तव में सर ने जो आपसे कहा ना, मैंने जो है खुद सर से कहा था कि सर मुझे 1-4-5 दिन की क्लास दे दीजिए, मैं अपने भाई बहनों का 10 नंबर। यार आप एक बात बताओ, आप खुद देख लो, मेरे भाई बहनों, मेरे खुद भाई बहनों देखो, आप वो 2 घंटे में मैंने केवल विशेषण विशेष उसके भेद जो है संख्या गिनना, भेद निकालना और सार्वनामिक विशेषण, 5 टॉपिक 2 में पढ़ाया, पूरा बकायदे 3-3, 4-4 उदाहरण लेकर के एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो यार हम तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दिए हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है आगे, चलिए। मैंने कहा सार्वनामिक विशेषण के भेद, यहां से भी प्रश्न आया आरओ में, पूछता है ये मूल सार्वनामिक विशेषण है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, क्या है, कैसे है, इसको भी हम बता रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 मूल सार्वनामिक विशेषण, नंबर 1 बहुत आसान है बेटे, मूल सार्वनामिक, नंबर 1 मूल सार्वनामिक विशेषण, और नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 यौगिक सार्व
मूल सार्वनामिक विशेषण, नंबर दो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब सुनना बेटे, अब सुनना, मैं आपको यहां एक बात लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। क्या? कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूं, एकदम सिंपल सी बात है। जब मूल सर्वनाम, जब मूल सर्वनाम, मैं सर्वनामों की यहां लिख दे रहा हूं, उन्हीं को ढूंढ लेना। क्या? जब 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 मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, यह वह कोई, ठीक है, उसके बाद यह वह कोई, इसके बाद जो सो कौन क्या, ये जब मूल सर्वनाम विशेषण का। लो भैया, हमने आप, चूंकि मुझे पता है कि मेरे भाई बहन सर्वनाम नहीं पढ़े हैं, मैंने डायरेक्ट सारा नाम लिख दिया, लो ये सर्वनाम देख लेना, छांट लेना इनको। जब मूल सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, जब मूल सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, तो उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मूल सार्वनामिक, तो उसे मूल सार्वनामिक विशेषण, तो उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर, आपके यहां आया प्रश्न है, क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, पूछा इसमें वह क्या है, नंबर एक दिया मूल सार्वनामिक विशेषण है, मैं लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा, मूल सार्व मतलब मूल सार्वनामिक विशेषण। नंबर दो दिया यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। नंबर तीन दिया परिमाणवाचक विशेषण है। नंबर चार दिया संख्यावाचक विशेषण है। बताइए भैया, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। अच्छा मजाक कर दे राहुल जी, बढ़िया कमेंट किया आपने, सही बात है सर, ठीक है। चलो बेटे, मूल सार्वनामिक, देव चौधरी जी ने कहा मूल सार्वनामिक, ठीक है। चलिए, वाह क्या बात है, ए ए ए, यस मूल सार्वनामिक, एकदम समझ गए, इसका मतलब आप समझ गए। देखिए मैंने बता दिया, यह वह कोई जो सो कौन क्या, ये जब सर्वनाम के, ये जब सार्वनामिक विशेषण दिखें तो समझना मूल है, ठीक है। चलिए नंबर दो, और स्मार्ट बोर्ड भी कह रहा है कि गुरुजी आप हमारी अंतिम सीमा पर हैं, फिर 15वें पेज पर हैं, 15वां पेज हमारा आखिरी, अब गुरुजी मिटा के लिखना पड़ेगा आपको, खैर कोई बात नहीं। चलिए अब नंबर दो हेडिंग डालते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक यौगिक। अच्छा एक बात और, एक बात और मेरे भाई, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो भी मेरे नए भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी भाई बहनों से, आप सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, चंद्रा इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चंद्रा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें दोस्त, इसी तरह की तमाम प्रैक्टिस, और ये नहीं, तुरंत टेलीग्राम डाउनलोड करें और टेलीग्राम पर जाएं, वहां टाइप करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और वहां ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लें। कल कब विशेषण की क्लास फिर से होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना। तो मेरे कहने का अर्थ है दोस्त कि ये 10 नंबर के लिए आपको जरूर से जरूर ये काम करना है। तो दोस्त बिल्कुल, और यही नहीं, तमाम प्रैक्टिस हम दिन भर प्रैक्टिस देते रहते हैं, तो जो भी आप सिलेबस से जुड़े हैं, जिस भी कोर्स से जुड़े हैं, आपको रोज नोटिफिकेशन मिलेगा, निःशुल्क प्रैक्टिस का लाभ उठाएं दोस्त। और यही नहीं, सर ने कहा ना, मैं अकेला चंद्रा में नहीं पढ़ाता, मेरे पीछे 5 एक्सपर्ट खड़े होते हैं, 4 लोग यहां बैठे हैं कापी पर, कापी कलम लेकर के वो देख रहे हैं, मेरे हटते ही अगर मैं हटूंगा तुरंत बताएंगे कि सर ये टॉपिक मिस हुआ था, कल इसको रिवीजन में डालिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं आपने बताया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
तो मेरे दोस्त ये चीज होती है, इतना हम लोग मेहनत करते हैं, जान लगा देते हैं, तब आप जो है देखते हैं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट है। तो मेरे भाई बहन ये आपके लिए हमेशा के लिए लाभदायक है, बिल्कुल जुड़े रहिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ, पढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, अब देखो मेरे बेटे, यौगिक का मतलब होता है जब मूल सर्वनाम से बना हुआ कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे तो उसे यौगिक, क्या कहते हैं बेटे? अब आप समझ गए आगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। डॉट डॉट डॉट, आगे आप समझदार हैं, आगे क्या है, आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बता रहा हूं एकदम बहुत सिंपल सा उदाहरण है। जैसे हमने कहा वे लड़के आम तोड़ रहे थे, वे लड़के आम तोड़ रहे थे। अब आप कहिए गुरुजी इस समय कहां से आम तोड़ रहे थे, मतलब तोड़ रहे थे भाई, जब आम था तभी तोड़ रहे थे, ठीक है। तो चलो बेटा, ठीक है, कह रहे वे लड़के आम तोड़ रहे थे। अब यहां देखो बेटे, लड़के शब्द क्या है मेरे भैया? लड़के शब्द संज्ञा है, लड़के से जस्ट पहले वे आया है, और आप जान रहे हैं वह क्या है, वह मूल सार्वनामिक विशेषण है कि नहीं? वह क्या है? मूल सार्वनामिक विशेषण है, और वह से परिवर्तित होकर वे बना है, इसका मतलब वे क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मजा आया? समझ में आई बात कि वह से बना है वे, तो वे कैसा है? यौगिक सार्वनामिक। अगर हम कहते वह लड़का आम तोड़ रहा था तो वह क्या हो जाता? मूल सार्वनामिक विशेषण। अगर हमने कहा वे लड़के आम तोड़ रहे थे तो इसका मतलब वह से परिवर्तित रूप वे। तो जब मूल सार्वनामिक विशेषण परिवर्तित कर जाता है, परिवर्तित रूप बदल कर आता है, रूप बदल कर आता है, तो समझिए यौगिक है। चलिए एक उदाहरण आपको और देता हूं, एक उदाहरण मैं आपको यहां और देता हूं, उदाहरण नंबर दो। क्या है उदाहरण नंबर दो भैया? कह रहे हैं ये नदियां, ये आपके यहां आया प्रश्न है, ये नदियां सागर में नहीं मिलती। ये नदियां, ऐसे थोड़ा सा बड़ा वाक्य बनाकर कंफ्यूज कराते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है यार। ये नदियां सागर में नहीं मिलती। अब यहां कह रहे हैं ये क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, यह नदी सागर में नहीं मिलती, एक वचन, यह का परिवर्तित रूप ए हो गया। तो यह क्या है? यह है मूल सार्वनामिक विशेषण, और यह से जब बदल कर ए बना तो ए क्या हो गया भैया? ए हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया? तो यह दो पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जल्दी जल्दी शेयर करें फटाफट मेरे भाई। तो चलो दोस्त, देखो यह हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, दोनों सही आ गया, समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट लो आप। चलिए अब ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आपने पीछे स्क्रीनशॉट लिया है ना, कोई बात नहीं, मैं पीछे से पेज थोड़ा सा खाली करता हूं। मतलब इतना पढ़ा हम लोगों ने कि जो अंतिम सीमा थी वो अंतिम सीमा भी बढ़कर खत्म हो गई। 15 पेज लिखा गया भैया। चलिए यस आ गया, ये आ गया। अब चलिए, अब यह सार्वनामिक विशेषण हो गया,
अब नंबर दो चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब आगे जो विशेषण है भैया ना, इनको दो मिनट में फूंक में उड़ा देंगे आप यार, कुछ नहीं है। संख्यावाचक विशेषण, जो पहाड़ तोड़ना था वो आप तोड़ चुके, अब कुछ नहीं है। इसमें एक चीज है, केवल इसके भेद से एक क्वेश्चन आता, हर बार फिक्स है, एक प्रश्न आता ही आता है, तो वो चीज मैं कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त बिल्कुल एक बार शेयर करेंगे, जरा जोरदार ढंग से शेयर करेंगे एक बार, चलिए एक बार शेयर करेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखो बेटे, संख्यावाचक विशेषण का मतलब, संख्या माने आप जानते ना, एक दो तीन चार, ये होती है, इनको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बहुत सिंपल सी परिभाषा बन जाएगी कि जब कोई संख्या विशेषण का काम करे, क्या करे भैया, जब कोई संख्या विशेषण का काम करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है, जब कोई संख्या विशेषण का कार्य, जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, तो उसे संख्यावाचक। बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, एक उदाहरण से समझ जाएंगे। विशेषण, अब कुछ नहीं रहा विशेषण में, अब भेदों में, हाँ इसमें एक चीज कठिन होता है, इसके भेद, जैसे कौन पूर्णांक बोधक है, कौन अपूर्णांक बोधक है, कौन क्रमवाचक है, कौन आवृत्तिवाचक है, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। और ये चीज है, कोई नहीं, मैं एक बार में समझा दूंगा, फटाक से समझ में आएगा। जब कोई संख्या विशेषण का काम करे, कोई नंबर मतलब कोई संख्या ऐसी आए जो संज्ञा से जस्ट पहले आए, देखिए सुन लीजिएगा, जब कोई संख्या किसी संज्ञा से जस्ट पहले आए और उस संज्ञा की विशेषता बन जाए, जब कोई संख्या किसी संज्ञा से जस्ट पहले आए, भाई शेयर करिए जल्दी से, आप लोग एक बार शेयर करिए, ये संख्या पढ़ाने वाली नहीं है ना, तो थोड़ा सा तो शेयर करिए यार। जब कोई संख्या किसी संज्ञा से जस्ट पहले आए और उसकी विशेषता बन जाए, तो समझ लेना वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण है, क्या रास्ते में तीन आदमी लड़ रहे थे, रास्ते में तीन आदमी, एक बार शेयर करिए यार, इसको एकदम ऊपर तक ले जाइए ना, अब के से कम रहे तो समझ में नहीं आता बात भैया। देखिए हम तो दो घंटे हो गए तब भी उतनी ताकत से पढ़ा रहे हैं, केवल आपके लिए, तो दोस्त ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। रास्ते में तीन आदमी लड़ रहे थे, अब यहां देखो मेरे भाई क्या कह रहे हैं, रास्ते में, तो एक संज्ञा तो रास्ता है, एक संज्ञा क्या है, आदमी है, एक संज्ञा क्या है, आदमी है, और आदमी की विशेषता है कि वो तीन है, इसका मतलब तीन यहां क्या है, संज्ञा की विशेषता होने के कारण ये क्या है भैया, विशेषण है, नंबर एक। नंबर दो अब क्या है, ये देखिए तीन विशेषण है प्लस तीन क्या है, संख्या भी तो है, तो भैया अगर इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो क्या बन गया, संख्यावाचक। क्लियर हो गया, चलिए आगे। नंबर दो, नेताजी के काफिले में, नेताजी के काफिले में सौ गाड़ियां थी। नेताजी के काफिले में सौ गाड़ियां थी। देखो बेटा, एक संज्ञा नेताजी हैं, एक संज्ञा काफिला है, समूहवाचक संज्ञा है काफिला,
एक संज्ञा है गाड़ियां, इस वाक्य में तीन संज्ञा आई हैं। अब देखिए, नेताजी की कोई विशेषता नहीं है, न काफिले की कोई विशेषता है, गाड़ियों की विशेषता है कि वो संख्या में क्या है, 100 है, 100 है। इसका मतलब 100 क्या है, संज्ञा की विशेषता होने के कारण 100 क्या है, विशेषण है। प्लस 100 क्या है भैया, एक संख्या है। अब मैं तभी देखूंगा मोबाइल जब आप के ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, संख्यावाचक विशेषण। क्या बन गया मेरे भाई, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अब एक बात और देखिए, एक बात और देखिए आप लोग, अगर मैं यही कहूं लड़के कुछ डंडे लेकर फल तोड़ रहे थे, लड़के कुछ डंडे लेकर फल तोड़ रहे थे। अब यहां देखो बेटे, एक संज्ञा लड़के है, क्लियर सभी लोग भाई बाबू बताइए, कोई एक संज्ञा डंडे है मेरे बच्चे, एक संज्ञा फल है, एक संज्ञा क्या है, फल है। अब आप देखो बेटे, लड़कों की कोई विशेषता नहीं है मेरे भैया मेरे बच्चे, कोई विशेषता नहीं है, डंडे की विशेषता है कि वो कुछ हैं, कुछ डंडे लेकर, मतलब 2 डंडे, 4 डंडे, 10 डंडे, 20 डंडे। इसका मतलब यहां जो है डंडे किसका बोध करा रहा है, पहली बात तो संज्ञा की विशेषता है तो बिना पूछे विशेषण हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ का मतलब क्या, संख्या भाई, 2 डंडे, 4 डंडे, 10 डंडे, तो आपने देखा संख्यावाचक विशेषण। पर आप कहेंगे कि सर इसमें और इसमें एक अंतर है, क्या अंतर है भैया, कि यहां जो संख्या है वो निश्चित है, जैसे 100 गाड़ियां, 100 गाड़ियां का मतलब है, ठीक है, 100 गाड़ियां का मतलब है कि 100, न एक कम न एक ज्यादा, इसका मतलब यहां जो संख्या है वो निश्चित संख्या है, पर यहां जो संख्या है वो निश्चित संख्या नहीं है, वो संख्या कैसी है, वो संख्या अनुमानित है, कुछ डंडे, 10 डंडे, 20 डंडे, 25 डंडे, 1 डंडा, 2 डंडा, 5 डंडा, या डंडे है तो चलिए 2 डंडे, 10 डंडे, 20 डंडे। इसका मतलब एक चीज हमने यहां और देख लिया, क्या जो संख्यावाचक विशेषण है वो क्या हो सकता है मेरे बच्चे, हमने यहां से देखा वो निश्चित भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर हो गया, यहीं से क्लियर हो गया। मजा आया तो शेयर करना यार, संख्या बहुत तेजी से घट रहा, आप लोग जो है बढ़ाइए। चलो बेटे, अब हमने देखा क्या संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद, ठीक। संख्यावाचक विशेषण के आपने देख लिया 2 भेद हैं, कौन कौन से भैया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर दो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक। ध्यान रखना बेटे, जब विशेषण का काम कर रही संख्या निश्चित हो, क्या हो बेटे, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या, अभी असली लड़ाई बाकी है मेरे दोस्त, इसी में संख्या निश्चित हो, क्या हो भैया, निश्चित हो, फिक्स हो, तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे आप समझदार हैं, जैसे मैंने कहा पुलिस ने तीन चोरों को पकड़ा। अब आप बताओ भैया, देखिए एक संज्ञा पुलिस है, एक संज्ञा है चोर,
और चोर की विशेषता है कि वो तीन है। तीन का मतलब क्या है कि संज्ञा की विशेषता माने विशेषण प्लस संख्या, और संख्या कैसी है एकदम फिक्स है कि तीन है, इसका मतलब संख्या निश्चित है। तो तीनों मिला दिया तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आसान है ना, आसान है कि नहीं, आप खुद बताएं आसान है कि नहीं। अगर आसान ना हो तो बताना, समझ में ना आए तो बताना मेरे भैया। बिल्कुल आसान कर दिया मैंने, बिल्कुल आसान कर दिया, पर आप जो है थोड़ा सा भी शेयर नहीं कर रहे हैं आप सारे लोग, ठीक है। चलिए एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर करिए। चलो बेटा नेक्स्ट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो बेटा, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या, जब विशेषण का कार्य कर रही, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित हो, अनिश्चित का मतलब बेटे अनुमानित होता है, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित हो, अनिश्चित मतलब अनुमानित हो, तो उसे अनिश्चित, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जब अनुमानित हो, अनिश्चित हो, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, क्या कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने, ने कुछ लोगों ने घटना को, आप ये आरुण का प्रश्न है, कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया, कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। यहाँ बेटा देखो, लोगों संज्ञा है और लोगों की विशेषता है कि वह कुछ हैं, इसका मतलब कुछ शब्द क्या है, कुछ शब्द विशेषण है, और कुछ माने दो लोगों ने, चार लोगों ने, छह लोगों ने, दस लोगों ने, इसका मतलब यहाँ संख्या भी है, हाँ, और प्लस यह संख्या कैसी है, अनिश्चित है या अनुमानित है, तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया प्रतिमा जी, प्रतिमा जी बिल्कुल शेयर करिए भाई, तो बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ लोगों के नेट पैक की भी दिक्कत होगी, बट कोई नहीं, आप लोग शेयर करो, बढ़ेंगे बच्चे। चलो बेटा, अनिश्चित संख्यावाचक समझ गए, अब आना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जितनी देर के लिए आपने इंतजार किया था दोस्त, अब वो टॉपिक बताने चल रहा हूं आपको, जहां से आरओ में एक क्वेश्चन 100% फिक्स आएगा ही, और जिसने इस चीज को इस निगाह से देखा वही सही कर पाएगा, अदरवाइज गलत कर जाता है। ये तो आसान है, जो ये बताया मैंने, ये तो दोनों आसान है। अब आइए, आइए अगली लड़ाई लड़ते हैं। चलिए अब इसे मिटाना पड़ेगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, तो फटाफट। चलो बेटा, देखिए अब आते हैं हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। ये प्रश्न बहुत, जो अब मैं करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आ रहा हूं, मैं एकदम फिक्स आउट है आएगा। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। हर बार आप देख लीजिएगा, यहां से हर बार एक क्वेश्चन आया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद कौन कौन से हैं भैया। देखिए ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्यावाचक जो होता है बेटे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हम जो है आप पांच भेद करते हैं। क्या करते हैं, यहां से प्रश्न आएगा, पांच भेद। तो कितने भेद हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, पांच भेद हैं। कौन कौन से हैं भैया, इनको मैं बता देता हूं, पढ़ लेना, याद कर लेना, एक आएगा जरूर। क्या आएगा, नंबर एक गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक में नंबर एक गणनावाचक विशेषण,
ना गणना वाचक विशेषण। मैं अभी प्रश्न बना के बताऊंगा कैसे आएगा। जैसे गणना माने जिसे गिने, हम गिनते कैसे हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, गणना वाचक है। ठीक, तो पहला हो गया गणना वाचक विशेषण। अब देखो बेटे, गणना वाचक विशेषण भी दो भाग में बंटता है, कहां कहां, नंबर एक पूर्णांक बोधक, बहुत आसान है, यही प्रश्न बहुत आया है, और नंबर दो अपूर्णांक बोधक। नंबर दो अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक का मतलब जमन समझ रहे हैं ना, पूरा अंक, पूरा अंक मतलब 1 2 3 4 5 ये, और अपूर्णांक का मतलब अपूर्ण अंक, अपूर्ण अंक। अपूर्ण अंक का मतलब हो गया जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 1/2, 1/3, 1/4, ये अपूर्ण अंक हैं। तो इसमें क्या होगा, पूछेगा आपसे कि तीन लड़के, अब सुनना बेटे, पूछेगा तीन लड़के कैसी कैसा है, पूर्णांक बोधक है अपूर्णांक बोधक है, जल्दी उत्तर दीजिए। तीन लड़के, इसमें विशेषण जो है वो पूर्णांक बोधक है या अपूर्णांक बोधक है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर लड़कों की विशेषता है कि वो तीन है, और तीन क्या है, तीन एकदम फिक्स नंबर है, इसका मतलब ये पूर्णांक बोधक है। लेकिन आपसे कहेगा कि जो है, मान लीजिए आपसे कहा कि आधा, चलिए ये तो हो गया, इसमें दिखाऊंगा अभी आपको। चलिए आपसे मान लीजिए उसने कह दिया कि डेढ़ लड्डू, मुंह में पानी आ गया, डेढ़ लड्डू। ठीक है, अब देखो बेटे, लड्डू शब्द क्या है, लड्डू संज्ञा है, और लड्डू की विशेषता है कि वो डेढ़ है, इसका मतलब डेढ़ क्या है, डेढ़ विशेषण है, और ये विशेषण कैसा है, अपूर्णांक बोधक है। क्यों, क्योंकि भैया डेढ़ कोई पूरी संख्या थोड़ी है, डेढ़ का मतलब क्या हो गया, 1 सही 1/2, और 1 सही 1/2 पूर्णांक थोड़ी है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि गणना वाचक का मतलब 1 2 3 4, जैसे लिखा है 5 लड़के, अब 5 लड़के, अब पूछा ये गणनावाचक है, ये परिमाणवाचक, ये जो है वो जो है आगे सब दे देगा कि क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, ना क्या है, तो आपको बताना है कि 5 माने सीधे सीधे 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं, मतलब गणनावाचक है। गणनावाचक के दो भेद हैं, पूर्णांक अपूर्णांक। पूर्णांक माने जहाँ फिक्स नंबर हो 1 2 3 4 5, और अपूर्णांक माने जहाँ जो है तिहाई, चौथाई, डेढ़, सवा, पौने, ऐसे लगा हो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो आप। चलो बेटे नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब रुकिए, थोड़ा सा पेज कुछ डिलीट कर दें। चलो बेटा आगे, गणनावाचक हो गया नंबर एक। अब नंबर दो जो हम इसमें लेके चल रहे हैं, थोड़ा शेयर करना भाई सब लोग, क्रमवाचक। देखो नंबर दो क्या है बेटे, क्रमवाचक। नंबर दो क्या हो गया, क्रमवाचक विशेषण। देखो बेटा, क्रम का मतलब आप जान ही रहे हैं कि क्रम का मतलब क्या होता है, सीरियल। क्रम का मतलब क्या होता है, सीरियल होता है ना। क्रमवाचक मतलब क्या, अंग्रेजी में इसी को आप कहते हैं सीरियल वाइज, और आप जानते हैं कि आप सीरियल वाइज में ज्यादा समझ जाएंगे। जैसे कि पहला है कि नहीं भाई, पहला लड़का है क्रम से ना, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, आपको ये याद रखना है। क्यों, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक है, तो क्रमवाचक मतलब सीरियल से, सीरियल माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सीरियल वाइज हो गया। अगला नंबर तीन,
क्रमवाचक के बाद आ गया आपका बेटे आवृत्तिवाचक। आवृत्ति देखो बेटा नंबर तीन, यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। अगर इतनी देर आप मेहनत किए हैं तो बिना एक प्रश्न लिए मत जाना, मत जाना मेरे बेटे। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। देखो बेटा आवृत्तिवाचक का मतलब आप जानते हैं ना, आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का दोहराना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो कहने का मतलब जहां कोई ऐसा शब्द आए जिससे दोहराव का प्रतीत हो, जिससे क्या प्रतीत हो? दोहराव प्रतीत हो, लगे कि हाँ रिवा दोहराव किया गया है, तो समझ लेना वो आवृत्तिवाचक है ना। जैसे आपसे कहा जाए दूना, आपसे कहा जाए चौगुना, आपसे कहा जाए तिगुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि दूना माने दो बार, दो बार तो आवृत्ति हो गई कि नहीं, दोहराव हो गया कि नहीं भाई, एक बार फिर एक बार तो दूना हो गया, एक बार फिर एक बार, फिर एक बार तिगुना हो गया, एक बार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार चार गुना, फिर ऐसे एक बार एक बार एक बार करके पांच बार तो पांच गुना। तो कहने का मतलब है यहां क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब क्या है भैया? कि दोहराव। तो जहां कोई ऐसी संख्या आए जो दोहराव का प्रतीत कराए वो क्या कहलाती है? आवृत्तिवाचक कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? आवृत्तिवाचक कहलाती है। तो ये तीसरा भेद हो गया आवृत्तिवाचक। अब चौथा भेद जो इसका है वो समुदायवाचक है। क्या है? समुदायवाचक। चौथा भेद क्या है? समुदायवाचक विशेषण। देखो बेटे समुदाय का मतलब आप जान रहे हो, ग्रुप। समुदाय का मतलब क्या होता है? ग्रुप या समूह। समुदाय का मतलब क्या है? ग्रुप या समूह। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या हो जो ग्रुप का बोध कराए, जो समूह का बोध कराए, जो लगे कि इससे ग्रुप की बात हो रही है ना, तो उससे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? समुदाय वाचक कहेंगे बेटे। जैसे अगर हम कह दें, हम कह दें दोनों, दोनों, दोनों का मतलब क्या? एक और एक, दोनों का ग्रुप ना। तीनों, चारों, ये सब क्या है? समुदायवाचक हैं। समुदायवाचक हैं अर्थात यहां जो है दोनों, तीनों, चारों, ये क्या हैं? ये समुदायवाचक हैं। दोनों, तीनों, चारों, ये क्या हैं? समुदायवाचक हैं। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए आप। लास्ट पांचवा जो है बेटे, पांचवा जो अब हमारा लास्ट आ रहा है, पांचवा आ रहा है, वो है प्रत्येक बोधक। ये बहुत तेज पूछा जाता है भाई मेरे, प्रत्येक बोधक। इसमें कुछ नहीं है, हर वो शब्द जो एक एक का बोध कराए। जैसे इसमें देंगे हर एक, हर एक, प्रत्येक, ठीक है, हर एक, प्रत्येक, ये क्या है ना? दो दो, जहां दो दो ना, जैसे तो ये क्या है? देखिए जहां बिल्कुल प्रत्येक बोधक माने तुरंत तुरंत का बोध, जैसे प्रत्येक, हर एक, एक एक ना, तो बोध हो वो प्र। तो दोस्त इन पांचों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, और कुछ नहीं, प्रश्न सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, आपसे पूछेगा कि चौथा लड़का, चौथा लड़का, अब पूछ लेगा चौथा शब्द किस तरह का विशेषण है, इसी में से चार ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को, आप लोगों को यहां से, यहां से जो है एक प्रश्न, यहां से एक प्रश्न 100% फिक्स है। तो दोस्त अभी तक आपने देखा कि हमने दो चर्चा कर ली भेदों की, नंबर एक संख्यावाचक जो है सार्वनामिक विशेषण, नंबर दो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मैंने विधिवत पढ़ाया। दोस्त आज आपने कम से कम 10 में से 5 प्रश्नों की चर्चा की है ना। तो दोस्त बस इस बात को अब यहीं जो है रोका जाए, एक बार यहीं विराम दिया जाए, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। देखिए जोरदार प्रश्नों के साथ
ज्योग्राफी वाले सर आपके बीच आ रहे हैं भूगोल के जोरदार प्रश्नों के साथ, आपके बीच लाइव हो रहे हैं सर, तो हो जाएं बिल्कुल तैयार एकदम सर के साथ। और आप सभी भाई बहनों का जो है बिल्कुल मैं यही कहूँगा, एक बार जोरदार ढंग से शेयर करें सर के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, सर जो है आपने पढ़ाने से भी देखा होगा बड़े सौम्य ढंग से पढ़ाते हैं, बड़े शांत ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन जो चीज़ें लोगों को पसीना आ जाती हैं बताने में, उसे भी सर इतना मुस्कुरा के आराम से बता देते हैं, इतने सरल ढंग से बता देते हैं कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्त बस इस कक्षा को यहीं रोकते हैं आज के लिए, सर आ रहे हैं आपके बीच लाइव होने, शेयर करिएगा फटाफट सर के लिए एक बार जोरदार ढंग से। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वेरी नाइस इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज फिर शुरू कर दें कुछ नए क्वेश्चंस के साथ ये सेशन। जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए बिना टाइम जाए कि हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आज हम स्पेसिफिकली ज्योग्राफी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, कुछ मिक्सअप किया था, आगे चल करके फिर भी मिक्सअप होगा और उसके साथ हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हम डिस्कशन करें। साथ में आपने मैराथन क्लास का जो एक बहुत अच्छा डिमांड रखा था उस पर विचार चल रहा है, वो भी आप लोग को प्रोवाइड करने की बात चल रही है। चलिए साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। नंबर वन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब। साथियों आपको ध्यान रखना है, ऐसी नदियां जो किसी पर्वत को काट करके प्रवाहित होती है, उन नदियों को हम क्या कहते हैं, उन नदियों को हम पूर्वानुवर्ती या एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। हमारे देश में हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां इसी चरित्र की हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बेसिकली सतलज नदी, ध्यान रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर सतलज नदी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट थोड़ा सा तेज हमें डिस्कशन करना है आज, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उनको पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, भारत में सॉरी निम्न देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। हमें देखना है कि जो देशों की यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं, कौन सा मध्य अमेरिका का हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रेरित करता है कि आपको मैप स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। देखेंगे पनामा, सियेरा लियोन, हंडुरास और ग्वाटेमाला। पनामा, सियेरा लियोन, हंडुरास और ग्वाटेमाला, देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा सियेरा लियोन, बिल्कुल साफ साफ सामने आ रहा है सियेरा लियोन इसका आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सियेरा लियोन बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ना कि ये बेसिकली मध्य अमेरिका का देश है। हमें यहां पर क्या करना है, मैप के थ्रू इसको समझना है। मैप आपके सामने है, ये देखिए मैप आपके सामने है। मैप में आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका ये लिखा हुआ है, यहां पर देखेंगे आप बेसिकली साउथ अमेरिका लिखा हुआ है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच का ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसी को हम मध्य अमेरिका कहते हैं। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, ये देखिए आपके सामने लिस्टिंग है, एक एक देश बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे बेलीज है, ग्वाटेमाला है, अल साल्वाडोर है, हंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है। पनामा वही देश है, पनामा पेपर लीक्स में, जिसमें भारत के कुछ लोग भ्रष्टाचार में फंसे थे, अमिताभ बच्चन से जैसे लोग भी फंसे थे, चलिए वो बात की बात है। यहां पर देखें कुछ देश और हैं, जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो है, हैती है, जमैका है, क्यूबा है, ये सारे के सारे जो द्वीपीय देश है कैरेबियन सी में, ये सब मध्य अमेरिका का हिस्सा कहलाते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आपको क्या देखना है कि कौन सा देश यहां पर मध्य अमेरिका का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा देश नहीं है, सियेरा लियोन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रवाल भित्तियां बनी होती हैं। प्रवाल भित्तियां किसकी बनी होती हैं? कोरल पॉलिप्स की, रेडियोलेरियन पंख की, डायटम की, कैल्शियम युक्त पंख की। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रवाल भित्तियां और प्रवाल बिरंजन, ये दोनों ऐसे टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। प्रवाल का मतलब होता है समुद्री जीव है जो कैल्शियम की परत जमाते हैं, उसमें अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। इसका मतलब है कि समुद्री जीव ये जो प्रवाल है इनको कोरल कहते हैं। थोड़ा सा आप इस फिगर को देखिए, उसके बाद आंसर पे चलेंगे। आप देखेंगे इस फिगर में जो रेड कलर और साथ में आपको ब्राउन कलर के कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, यही वो कोरल जीव है जो क्या करते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रवाल भित्ति से क्या होता है, अगर इनका निर्माण एक जगह पर ज्यादा हो जाता है तो कोई ना कोई एक सी आइलैंड बन जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा लक्षद्वीप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों हमारा लक्षद्वीप। आप देखेंगे यहां पर ये एक छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा है जो लक्षद्वीप का आइलैंड है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण प्रवाली संरचना से हुआ है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको यहां पर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कोरल पॉलिप्स। क्या आंसर हो जाएगा, कोरल पॉलिप्स, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कैल्शियम युक्त ये संरचना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा कौन सा पर्वत बनाता है, पिरेनीज, यूराल, एपिनाइन और ब्लैक फॉरेस्ट। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। देखेंगे इसमें आपको पहले आंसर बताने से पहले एक बार इसकी पोजीशन चेक करा दें, आंसर आप खुद देख लेंगे। देखेंगे इसके बाद यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपके पास मैप है, सर लिखने के सिस्टम इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, देखेंगे सॉरी आपके पास यहां पर मैप है, ये जो मैप देख रहे हो मैप कहां का है, ये पूरा यूरोप का मैप है। क्या है, यूरोप का मैप है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे यूरोप के मैप में ये छोटा सा आप देख रहे हो एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में स्पेन और फ्रांस दो देश है। कौन से देश, स्पेन और फ्रांस दो देश है। अभी उतना समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं, आपको सारी चीज समझ में आएगी। बस यहां इतना देखना कि स्पेन और फ्रांस कहां के देश है, दोनों आपके यूरोपीय महाद्वीप के देश है। देखेंगे आगे एक और पिक्चर देखेंगे, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए पिरेनीज पर्वत आपके सामने बना हुआ है, ये फ्रांस देश है, ये आपका स्पेन देश है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। ध्यान रखेंगे यहां पर आपके स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में यहां पर आप देखेंगे स्पेन और फ्रांस के बीच में ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या है आपका, पिरेनीज पर्वत का है, यहां पर पर्वत श्रेणियां बनी भी हुई हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हमें इस मैप पे उस चीज को देखना है, ये वाला जो हिस्सा है ये इनकी सीमा रेखा है, सीमा रेखा पर आप देखेंगे पिरेनीज पर्वत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको बहुत अच्छे से आंसर अब समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए ये आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, पिरेनीज पर्वत क्या करता है, आप देखेंगे फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हीलियोथेरेपी संबंधित है। चलिए मैं आपके कमेंट्स भी ले लेता हूं, आपके कमेंट्स अभी तक मैंने लिए नहीं है, मुझे 5 सेकंड का समय दीजिए, आपके कमेंट्स ले लेता हूं मैं। बस मुझे 1 सेकंड का समय और दीजिए, आपके कमेंट्स में चाहता हूं लेते रहूं, साथ में आपकी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए ताकि मेरी ऊर्जा भी बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं यहां पर फिर से अगेन, यहां पर देखेंगे हीलियोथेरेपी संबंधित है, क्वेश्चन है हीलियोथेरेपी संबंधित है, आपके कमेंट्स में लूंगा, डोंट हैव टू वरी। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस आपके मन मस्तिष्क में बस जाने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए आंसर। देखेंगे जल द्वारा रोगों की चिकित्सा, मृतिका लेपन द्वारा लोगों का इलाज, लेजर किरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा, सूर्य प्रकाश या धूप स्नान द्वारा रोगी की चिकित्सा। क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर हीलियोथेरेपी क्या होता है, हीलियोथेरेपी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, हीलियोथेरेपी हीलिंग, इसके लिए जरूरत है सूर्य के प्रकाश की, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से रोगी की चिकित्सा, ये वाला डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंका सभ्यता से संबंधित, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंका सभ्यता से संबंधित, माचू पिच्चू जगह का नाम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा, माचू पिच्चू ये कहां पर अवस्थित है। इंका सभ्यता एक बहुत पुरानी और बहुत ही सिविलाइज्ड सभ्यता थी जिसके अवशेष अभी प्राप्त हुए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश की हड़प्पा सभ्यता थी। देखेंगे अर्जेंटीना, मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू, बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, इंका सभ्यता के लोग कहां से जुड़े थे। ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेरू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा माचू पिच्चू का, पेरू, इसका आंसर हो जाएगा पेरू, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे।
यहां पर आगे देखेंगे आप कि आपको इस सभ्यता के बारे में कुछ पद चिन्ह है जो उसके कुछ एविडेंसेस है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एविडेंसेस हैं, आप देखेंगे किसके, इनका सभ्यता के। यहां पर आप देख रहे हैं जितना भी ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये हमें अवशेषों के रूप में प्राप्त हुआ है, एक पहाड़ी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। ये सारा का सारा किसके द्वारा किया गया है? सारा का सारा इनका सिविलाइजेशन के द्वारा किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी पुरानी सभ्यता उसके बाद भी इतनी विकसित सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए एक और आपके पास ये पिक्चर है इनका सभ्यता के लोगों की। ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको ये सब आज अवशेषों के रूप में है, ये लेकिन किसके द्वारा किया गया? इनका सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महान हिमयुग किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन है महान हिमयुग किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आइस एज के बारे में क्वेश्चन है। प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन, होलोसीन और इओसीन। जब हम प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन ऐसे नामों की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक समय सारणी के नाम है। भूगर्भिक समय सारणी में ध्यान रखिएगा महान हिमयुग की बात चल रही है, जो नियरेस्ट हिमयुग है, नियरेस्ट हिमयुग है ये किस समय आया था? मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आपके मैं आंसर देखना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आंसर दूंगा। बच्चों आंसर करिए, साथियों आंसर करिए इसमें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है, 6 का आंसर काफी बच्चों ने सही किया है, साधना जी ने सही किया, आप देखेंगे शैलेश ने सही किया है, उसके बाद चंद्रा ने सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा सभी को आंसर करना है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है आपको। चलिए मैं ही बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा आप लोग लेट कर रहे हो आंसर, थोड़ी सी जल्दी, थोड़ी सी सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट, आज तेज चलने का जमाना है, जल्दी चलते हैं। चलिए देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन आइस एज, क्या आंसर हो जाएगा इसका ध्यान रखिएगा, प्लीस्टोसीन आइस एज। अब प्लीस्टोसीन को समझना है तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर एक नजर मार लेते हैं केवल प्लीस्टोसीन के लिए, बाकी सारी की सारी स्केल हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको प्लीस्टोसीन आइस एज के लिए, इसको एक बार देखना पड़ेगा हमें। ये देखिए आपके पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इस टाइम स्केल को देखेंगे तो उसमें इस टाइम स्केल को 5 एराज में 5 कल्पों में डिवाइड किया गया है। अब हम एक कल्प, हर एक कल्प पे चर्चा नहीं करेंगे, केवल हमें यहां पर चर्चा करना है कि प्लीस्टोसीन आइस एज कहां पर है। आप देखेंगे ये जो क्वार्टरनरी एरा है, आप देख रहे हैं क्वार्टरनरी एरा ये लिखा हुआ है बच्चों, क्वार्टरनरी एरिया तृतीयक युग, इसमें देखेंगे आप प्लीस्टोसीन कहां लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है आपका प्लीस्टोसीन, क्या लिखा हुआ है? प्लीस्टोसीन लिखा हुआ है। इसका टाइम क्या है? लगभग आज से देखेंगे तो 20 से 25 लाख साल पहले। कितना टाइम है? 20 से 25 लाख साल पहले। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आज से 20 से 25 लाख साल पहले हिमयुग आया था, आइस एज आई थी। आज हिमालय पर्वत पे जो बर्फ के आवरण मिलते हैं, ये बर्फ के आवरण उसी प्लीस्टोसीन आइस एज के थे। इस आइस एज के 4 चरण हैं, गुंज, मिंडेल, रिज और वर्म। ध्यान रखिएगा गुंज, मिंडेल, रिज और वर्म, इसको मैं लिख देता हूं गुंज, मिंडेल, रिज और वर्म। वर्म सबसे आखिरी चरण था, गुंज पहला चरण था। इन 4 चरणों में जो भारत, पूरे भारत नहीं पूरे पृथ्वी पर जो बर्फ जमी थी, ध्यान रखिएगा वो बर्फ आज भी आवरण के रूप में प्राप्त होती है, हमारे भारत में ही प्राप्त होती है, खासकर हिमालय पर्वत श्रेणी पर। चलिए मुझे उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा, बाकी के बाकी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आस्पेक्ट्स हैं काफी डिटेल्ड हैं, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जोवियन ग्रहों में शामिल है? कौन से ग्रह जोवियन ग्रहों में शामिल है? क्वेश्चन है कौन से ग्रह जोवियन ग्रहों में शामिल हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बहुत अच्छे से सोच के आंसर दीजिएगा बच्चों आप लोग। नेक्स्ट, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते? कौन से ग्रह गैसियस प्लैनेट्स कहलाते? गैसियस प्लैनेट, जोवियन ग्रह, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब आपको इसका आंसर देना है तो मैं चाहूंगा पहले आंसर दे क्वेश्चन नंबर 8 का, मैं आपके आंसर्स देखूंगा उसके बाद फिर मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। चलिए आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, आंसर दें बच्चों 8 का आंसर देना, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे दीजिए आप लोग, फटाफट दे दे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए भाई आप लोग आंसर नहीं दे रहे, थोड़ा सा लेट कर रहे, थोड़ा सा तेजी दिखा रही बच्चों, आप सभी को तेजी दिखा रही, मैं ही बता देता हूं जो जोवियन ग्रह हैं कौन कौन से हैं, बृहस्पति और बृहस्पति के बाद के ग्रह, मतलब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों क्या कहलाते हैं? आपके जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन ग्रह की जो स्थिति है उसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं चित्र में, आप चित्र में चेक करेंगे, यहां पर देखेंगे ये हमारा सौरमंडल है, ये सूरज है, सूरज के साथ ये ग्रहों की पूरी सीरीज है, आप देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब इस सीरीज में आप देखेंगे जोवियन ग्रह कौन से हैं, सेकेंड वाली पिक्चर आप देखें,
सेकंड वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जोवियन प्लैनेट्स लिखा हुआ है। जोवियन प्लैनेट्स में कौन कौन सा आ गया? आपका ये पहला जुपिटर, जिसको हम क्या कहते हैं, बृहस्पति। क्या कहते हैं हम? बृहस्पति। उसके बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके जोवियन प्लैनेट। ये सिमिलर नेचर के प्लैनेट्स हैं, इनको गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। उनकी सूर्य से दूरी भी बहुत ज्यादा है, इनका आकार भी बहुत बड़ा है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल की तुलना में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, भौगोलिक निश्चयवाद क्या दर्शाता है? भौगोलिक निश्चयवाद क्या दर्शाता है? इसमें लिखा हुआ है, नंबर वन, प्राकृतिक शक्तियों पर मानव शक्तियों की प्रधानता। नेक्स्ट, मानव शक्तियों पर प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता। नेक्स्ट, प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण न होना, केवल प्रभाव होना। क्या सही होगा? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और आंसर भी देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं। प्राकृतिक शक्तियों पर मानव शक्तियों की प्रधानता, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संभववाद। क्या कहलाता है? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, संभववाद कहलाता है, संभववाद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मानव शक्तियों पर प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता, ये कहलाता है निश्चयवाद। क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, निश्चयवाद। नेक्स्ट है, प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण ना होना, केवल प्रभाव होना, ये नव निश्चयवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, नव निश्चयवाद। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स में आपको तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया कि संभववाद क्या कहते हो, एक लाइन में आपको समझ में आ गया। निश्चयवाद किसे कहते हैं और नव निश्चयवाद किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, अभी मैं देखना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपने क्या किया है साथियों, जल्दी से आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना, मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। 9 का बी कहा हुआ है, हरि ने बी कहा है, राम अवतार जी ने बी कहा है, बहुत अच्छी बात है, शिवेंद्र जी ने बी कहा है, नीरज बी, वेरी नाइस। बच्चों आप लोग सही आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छे से ऊर्जा बना करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस चीज को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास और अच्छे क्वेश्चंस पहुंचने चाहिए, सभी का भला होना चाहिए, आपके दोस्तों यारों सभी का। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकार्डी रचना किसकी है? पिकार्डी बेसिकली अ नेम ऑफ अ बुक, एक बुक का नाम है पिकार्डी, पूछा जा रहा है कि इसके राइटर कौन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए कि पिकार्डी किसकी रचना है, रेडजेल, टोलेमी, होमर या फिर डिमांजिया। चलिए मैं आपके क्या करूंगा, पहले कमेंट सेक्शन में आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। देखते हैं बच्चों आप लोगों ने क्या आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए आंसर, बेटा जल्दी से सभी लोग, सभी बच्चों को बहुत तेज आंसर करना है बेटा, जल्दी से करिए। 10 का अदिति ने बी कहा हुआ है, अरविंद ने बी कहा हुआ है, बच्चों बाकी लोग भी क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आंसर करिए बेटा, 10 लिख के बच्चों साथियों आंसर करो, ताकि समझ में आ जाए आप 10 का ही आंसर दे रहे हो। चलिए ठीक है, बी भी आंसर आ रहा है। चलिए टॉलेमी एक ने लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए सभी गलत आंसर दे रहे हैं, अगर बी दे रहे हैं, पिकार्डी बोला जाएगा तो पिकार्डी किसकी रचना है, डिमांजिया की। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसकी रचना है, डिमांजिया की, ये टॉलेमी की रचना नहीं है, किसकी रचना है, डिमांजिया की, इसको याद कर लेना है, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, पिकार्डी किसकी रचना है, डिमांजिया की। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आइसोहेल रेखाएं प्रदर्शित करती है, बहुत सारी रेखाएं होती हैं जो अलग अलग नेचर की चीजों को एक दूसरे से क्या करती हैं, जोड़ती हैं, कंटूर लाइनिंग होती है। आपको यहां पर एक कंटूर लाइनिंग की बात देखनी है कि आइसोहेल रेखाएं प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, देखेंगे धूप की समान अवधि, वर्षा की समान मात्रा, ऊंचाई या हिमपात की समान मात्रा। क्या उत्तर होगा आप दे सकते हैं उत्तर, मुझे पता है, लेकिन चलिए हम क्या करते हैं, पहले मैं उत्तर देता हूं, उसके बाद आपके कमेंट सेक्शन में उत्तर चेक करता हूं, देखेंगे क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है धूप की समान अवधि, क्या आंसर है ध्यान रखिएगा, धूप की समान अवधि, यहां पर ए को टिक कर लेंगे। जो आइसोहेल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, धूप की समान अवधि और समान धूप के प्रभाव वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती हैं पृथ्वी के ऊपर, ध्यान रखिएगा क्या है, धूप की समान अवधि आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, बहुत ही कम बताया जा रहा, 0.002 बहुत ही कम बताया जा रहा, मतलब सबसे पाउडर पार्टिकल, सबसे पतले कण की बात होगी। ध्यान रखिएगा इसमें आपके पास जो ऑप्शन है क्या है, मृतिका, गाद, महीन बालू, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या आंसर होगा ध्यान रखिएगा, मिट्टी, मृतिका इसका आंसर हो जाएगा,
मृतिका जो है उसके सबसे ज्यादा महीन पार्टिकल्स होते हैं, सबसे महीन पार्टिकल किसके होते हैं, मृतिका के होते हैं। तो क्या लगाएंगे साथियों आंसर इसका, मृतिका इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी तेजी से हम सेशन को आगे करते हैं, आपके कमेंट्स भी लेते चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे उष्ण स्रोत और भारत के राज्य, इसमें आपको जोड़े बनाने और कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है, सुमेलित नहीं तो कहां है ये भी बताएंगे। देखेंगे सबसे पहले लेसुंद्रा राजस्थान, अब्बालोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है लेसुंद्रा अवलोली मणिकरण और सोहना में कौन सा बेसिकली मैच नहीं कर रहा है। देखिए बच्चों यहां पर बहुत अच्छे से साथियों सभी लोग देखना, यहां पर जो मैच नहीं कर रहा अवलोली महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, सोहना हरियाणा भी सही है, लेकिन लेसुंद्रा और तवा ये दोनों कहां पर है, गुजरात में है, कहां पर, गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, तवा और लेसुंद्रा के लिए ए, तवा और लेसुंद्रा गुजरात में राजस्थान में नहीं, मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद सॉल्व करिए। उष्ण स्रोत का मतलब क्या होता है, दो प्रकार के उष्ण स्रोत होते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, एक कहलाता है हॉट स्प्रिंग, क्या कहलाता है हॉट स्प्रिंग, और दूसरा क्या कहलाता है गीजर, दोनों गर्म होते हैं लेकिन एक से निरंतर गर्म जल बाहर निकलता है और एक से रुक रुक कर गर्म जल बाहर निकलता है, जब रुक रुक कर गर्म जल एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद बाहर निकलता है तो उसको हम गीजर कहते हैं, और रेगुलर बाहर निकलता है तो ध्यान रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हॉट स्प्रिंग या गर्म सोता कहते हैं, चश्मा भी कहा जाता है। इसको देख लेंगे थोड़ा सा, ये दिखता कैसा है, ये दिखता कैसा है देखेंगे, ये देखिए आपके सामने एक फिगर है हॉट स्प्रिंग की, ये देखेंगे पानी है, पानी कहां पर ये पानी निकलता है, भारत के ऐसे सारे क्षेत्र जहां पर कभी ना कभी ज्वालामुखी प्रस्फोट हुआ है उसके आसपास कुछ क्रैक्स है, दुनिया में कई देशों में ऐसे क्रैक्स पाए जाते हैं, उन क्रैक्स से या तो गैसेस बाहर निकलती हैं या तो पानी बाहर निकलता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब पानी बाहर निकलता है रेगुलर तो उसी को हम क्या कहते हैं, उष्ण स्रोत कहते हैं, गर्म सोता कहते हैं। ऐसा दिखता है गर्म सोता, आप देखेंगे ये एक छोटा सा क्षेत्र है जहां क्रैक है, जहां से गर्म पानी का ये देखेगा वाष्प आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये गर्म पानी निरंतर बाहर निकल रहा है। हमारे देश में अच्छी बात है कि गर्म सोते जहां जहां पर भी हैं वहां पर आप देखेंगे आसपास कोई ना कोई एक हिंदू धार्मिक स्थल भी बना हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है, तो शायद इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं से धर्म से भी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मेसाबी रेंज विख्यात है, क्वेश्चन है मेसाबी रेंज विख्यात है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पहले आपको देना है बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आगे भी पूछा जा सकता है। पहला लौह अयस्क उत्खनन हेतु, अयस्क लिखा है इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, लेट इट बी, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा इमारती लकड़ी निष्कर्षण हेतु, मिसौरी नदी के उद्गम स्थल के लिए, भारी वर्षा के लिए, भार लिखा है उसको क्या होना चाहिए, भारी वर्षा होना चाहिए, कोई बात नहीं इतना तो हम समझते हैं। अब यहां पर आपको आंसर देना है कि क्या सही है। चलिए 14 का आंसर पहले आपको मैं कहूंगा आप दीजिए, उसके बाद मैं चेक करके आंसर देता हूं 14 का आंसर क्या है। पहले मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर देखना चाहूंगा। चलिए 14 का आंसर सी कहा हुआ है अनित ने, उस अंकित ने सी कहा है, रोशनी सी, अरविंद सी, चलिए सभी, नीतू भारती लॉ अयस्क, वेरी नाइस, सही आंसर है नीतू आपका, वेरी नाइस, सही आंसर है। बाकी बच्चे 14 का आंसर करिए, 14 का आंसर लिखो बेटा, आंसर नहीं लिख रहा, 14 लिख के छोड़ दिया आपने, कोई बात नहीं। अनुराग डी, डी आंसर है, गौरव बी, चलो बेटा थोड़ा सा आप लोग मिले जुले आंसर कर रहे हैं। यहां पर सही आंसर है आपका, ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क उत्खनन हेतु, लौह अयस्क उत्खनन हेतु, ध्यान रखिएगा मेसाबी रेंज, मेसाबी माइन यूएसए में बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। लदांग कृषि प्रचलित है, क्वेश्चन पूछा गया लदांग कृषि प्रचलित है, इंडोनेशिया में, ब्राजील में, श्रीलंका में या मलेशिया में, लदांग कृषि का मतलब क्या होता है। लदांग नेम इज अ डिफरेंट नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि का ही एक नाम है। लदांग कहां कहा जाता है, लदांग ध्यान रखिएगा इसे कहां कहा जाता है, लदांग बेसिकली इसको इंडोनेशिया में कहा जाता है, कहां जाता है इंडोनेशिया में, भारत में इसको क्या कहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को, जैसे आप देखेंगे इसको पेंड्रा भी बोलते हैं, दिब्बा भी बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, बेवार बोलते हैं, झूम कृषि भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन इसका एक ही तरीका है, एक ही पैटर्न है, पैटर्न क्या है, जंगल को जला देना,
गर्मी में जंगलों को जलाना, जला करके मिट्टी को साफ कर लेना, फिर वर्षा ऋतु में क्या होगा, जले जंगल की राख पड़ी रहेगी, वो खाद का काम करेगी, उसमें बीज फेंक देना, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। आदिम समाज के लोग, जनजातियां इस प्रकार की कृषि करते हैं, हमारे देश में भी और विदेशों में भी, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आदिम समाज के लोग ऐसी कृषि करते हैं। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सूची एक और सूची दो का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही युग्म चुनिए। कोलोरेडो, पनामा, नील, जैम्बेजी, आसवान, करीबा, इतियापू और हूवर, ये देश या आप बोल सकते हैं क्षेत्र का नाम है और साथ में बांध का नाम है। चलिए जोड़े हम बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कूट में कौन सा सही है। पहले हमें क्या करना है, जोड़े बना लेना, सभी लोग जोड़े बनाएंगे। चलिए देखेंगे, सबसे पहले जोड़े बनाते समय कोलोरेडो कहां पर है, कोलोरेडो हूवर, ठीक है, कोलोरेडो पर जो कोलोरेडो जगह है वहीं पर कोलोरेडो नदी पर क्या है, हूवर डैम बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नील नदी पर क्या है, आसवान बांध बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे आपका पनामा में इतेपू है, उसके बाद क्या है, जेम्बेजी नदी पे करीबा। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि जोड़ा कहां दिया गया है, हमारा आंसर क्या निकल रहा है, हम अपने आंसर को देखेंगे। ए का डी निकल रहा है, उसके बाद बी का सी निकल रहा है, हम बोल सकते हैं 4-3 अगर यहां से, या ये ए भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखा हुआ है। आप देखें कोलोरेडो का क्या हो गया डी, पनामा का क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, सी, नील नदी का क्या हो गया ए। अब इतने में आंसर हमें मिल जाएगा, देखेंगे आंसर क्या है कूट में, हमने देखा था आंसर सी डी सी ए, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर साथियों यहां पर देखेंगे हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4। मुझे उम्मीद है आप इस आंसर तक पहुंचे होंगे, तो हम देखते हैं कि आपने इसका आंसर क्या दिया हुआ। क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको जोड़े बनाना है, देखेंगे जोड़े बनाने का आंसर आपने क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं आंसर, कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं। नीतू जी ने कहा हुआ है 15 का डी, वेरी नाइस, सही कहा है। उसके बाद बाकी बच्चों को भी आंसर करना है भाई, राम अवतार जी ने डी कहा है, बहुत सही बात है, विनोद जी डी, कविता डी, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोग सब सही आंसर कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। गुटेनबर्ग वाइचर्ड असांतत्य स्थित है, असांतत्य का मतलब क्या होता है, डिसकन्फर्मिटी, क्या मतलब होता है, डिसकन्फर्मिटी कहां पर है, गुटेनबर्ग वाइचर्ड, नाम ध्यान रखिएगा, बहुत सारी डिसकन्फर्मिटी है। दिया हुआ है भूप्रपटी तथा उसके ऊपरी प्रवार के मध्य, ऊपरी प्रवार और निचले भूप्रवार के मध्य, भूप्रवार का मतलब मेंटल होता है, भूप्रपटी का मतलब क्रस्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निचले प्रवार और ऊपरी कोर के मध्य, ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य, ये आपके ऑप्शंस हैं। पहले इसको हम चित्र में समझ लेते हैं, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन पहले चित्र में इस चीज को समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, यहां पर चित्र देखेंगे आप। सबसे पहले हम जब बात करते हैं किसकी, हम गुटेनबर्ग वाइचर्ड की बात करते हैं, तो ये डिसकन्फर्मिटी है, डिसकंटिन्यूटी है, असांतत्यता है, मतलब पृथ्वी के अंदर की परतों के बीच का ऐसा भाग जहां पर ऊपर और नीचे की परतों के दोनों के गुण हैं और उसके अपने खुद के भी गुण हैं, यहां पर भूकंपीय तरंगों का व्यवहार बदल जाता है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी के भीतर आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल में दो पार्ट है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और इनर कोर, हमें देखना है कि इसके बीच में क्या है आपका, गुटेनबर्ग वाइचर्ड। ये देखिए गुटेनबर्ग वाइचर्ड को हमें चेक करना है, तो आप देखोगे कहां पर लिखा हुआ है गुटेनबर्ग वाइचर्ड, ये देख रहे हो आपको यहां पर लिखा मिलेगा, ये लिखा है गुटेनबर्ग वाइचर्ड, लिखा हुआ है गुटेनबर्ग वाइचर्ड, कहां पर है ये, एक डिसकंटिन्यूटी है, कहां पर है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो ऊपरी, हिंदी में लिख देते हैं ऊपरी भूप्रवार, क्या लिखा हुआ है, ऊपरी भूप्रवार, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है आप देखेंगे, सॉरी इसको ऊपरी नहीं, इसको निचला भूप्रवार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निचला भूप्रवार, और ये क्या है आपका, ऊपरी कोर, ऊपरी कोर और निचला भूप्रवार, इसके बीच में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऊपरी कोर और निचला भूप्रवार, आप देखेंगे ये क्या है आपका, यही है आपका गुटेनबर्ग वाइचर्ड। अब देखते हैं यहां कहां पर है, यहां कहां पर है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन देख के आंसर पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा, हमने देखा निचले भूप्रवार और ऊपरी कोर के बीच में, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैं चाहूंगा आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आप लोगों को साथ में देने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, पंपा, डाउन्स, वेल्ड और लानोस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और चिली,
आपको बताना है कौन सी चीज कहां पर, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है। ये घास भूमि है, मुझे उम्मीद है आपको बनता, आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें जो आप देखेंगे इस कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें आपके कूट नहीं है, कोई एक सही नहीं है जिसको आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों को करना है साथियों, जल्दी से आंसर करें, पहले मैं आपके आंसर देखूंगा उसके बाद खुद आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। जल्दी से करिए 18 का, बच्चों आप लोगों को 18 का आंसर करना है। 17 पे आप सब रुके हो, 18 का आंसर करो, जल्दी से 18 का आंसर करना है। 18 का सी कहा है नई दुनिया, उसके बाद दुर्गेश जी ने डी कहा है, जल्दी से सभी बच्चों को फुर्ती से आंसर करना है भाई। अनिल डी कह रहे हैं, उसके बाद रूबी सी कह रही हैं, देखिए कुछ लोग सी, प्रमोद सी कह रहे हैं, उसके बाद देखिए चिली कहा हुआ है किसने, दुर्गेश ने, मैक्सिमम लोग डी आंसर कह रहे हैं, लेकिन ए आंसर किया हुआ है आपका बीच में, ए आंसर गौरव जी ने किया, गलत है भाई ये आंसर तो नहीं है। चलो ठीक है, जिन्होंने डी आंसर किया बहुत सही है, जो लानोज है वो चिली में नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, डी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही, जिन्होंने डी आंसर किया वो सब अपना आंसर राइट कर लेंगे, डी आंसर सभी लोग कर लेंगे। पंपा अर्जेंटीना, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है, गलत क्या है ध्यान रखिएगा, लानोस जो लिखा हुआ है वो गलत है, लानोस कहां पर है ध्यान रखेंगे, चिली में लानोस नहीं है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अश्वक्षांश किस पेटी में स्थित है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अश्वक्षांश किस पेटी में स्थित है, भूमध्य रेखी निम्नदाब पेटी में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्चदाब पेटी में, ध्रुवीय उच्चदाब पेटी में, उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी में, वो आपको क्या बताना है अश्वक्षांश, सबसे पहले पता होना चाहिए अश्वक्षांश होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा अश्वक्षांश का मतलब होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, कहां से कहां तक, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। चलिए चेक करते हैं एक फिगर में चेक करते हैं फिर आंसर पे आते हैं। फिगर आपके पास है ये देखिएगा, यहां पर फिगर बना हुआ है ये। अब इस फिगर में पृथ्वी है और पृथ्वी के अक्षांशों और अक्षांश के बीच के स्थानों को बताया गया, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं एक मिनट में, आपके काम की चीज है। सबसे पहले आप देखेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, ये बीच से एक लाइन खींच ली जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी, ये लाइन कहलाएगी विषुवत रेखा, इक्वेटर कहलाएगी, इसको शून्य डिग्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य डिग्री भी कहते हैं। शून्य डिग्री के ऊपर आप देखेंगे 5 डिग्री और नीचे 5 डिग्री चले जाएंगे, ये हम सही क्षेत्र बता रहे हैं, प्रभावी क्षेत्र नहीं। 5 डिग्री प्लस ऊपर नॉर्थ और 5 डिग्री देखेंगे साउथ, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, डोलड्रम, क्या कहलाता है बच्चों ध्यान रखिएगा, डोलड्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, परी शांत पेटी या जिसको बोल सकते हैं शांति का क्षेत्र, डोलड्रम कहलाता है। इसके ऊपर देखेंगे आप 30 डिग्री तक जाएंगे और नीचे 30 डिग्री तक जाएंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, क्या मिल जाएगा, उष्णकटिबंध, ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंध मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे 30 से 45 डिग्री ऊपर और नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उपोष्ण कटिबंध, क्या मिल जाएगा ध्यान रखिएगा, उपोष्ण कटिबंध। हम 30 से ऊपर जा रहे हैं उपोष्ण कटिबंध में, तब 30 से 35 की चीज मिल रही है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम केवल उतनी लाइंस का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम आंसर तक पहुंच सके, बाकी अक्षांश रेखाओं का डिस्कशन हम क्लास में बाद में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका यहां पर देखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, क्या आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, मतलब आप इसका बी आंसर लगाएंगे, क्या आंसर लगाएंगे इसके, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बी। चलिए आप लोग के कमेंट सेक्शन में एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, बच्चों आप लोग ने क्या आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मुझे आपका चेक करना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। नीतू आपने भूमध्य रेखीय क्षेत्र कह दिया है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे नहीं होता, थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा। विमल जी ने बी कहा हुआ है, बी सही है, बाकी रूपचंद्र जी ने बी कहा है, बिल्कुल सही है, बाकी लोग भी तेजी से आंसर करिए भाई, आप लोग आंसर बहुत धीमे करते हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत तेजी से आंसर करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सके, कोई बात नहीं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऊर्जा बनाए रखिए, जल्दी से जल्दी मेरे से जल्दी आप आंसर करिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि आपने सही आंसर किया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यह है आदिम जनजाति में से निम्न से, आदिम जनजाति निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन में कुछ चीज ऐसा लग रहा है कि मिस है, आदिम जनजाति तो सब जगह है, जब सब जगह आदिम जनजाति तो यहां पर कुछ ना कुछ विशेष नाम होना चाहिए, अब विशेष नाम के हिसाब से हमको देश क्या करना है, यहां पर ध्यान रखेंगे सेट करना है, लेकिन यहां पर ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही, तो क्या करना है, हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर लेते ताकि कोई एक आंसर बन जाए। मान लीजिए हमने बोल दिया आदिम जनजाति, यहां पर हमने नाम दे दिया सपोज, मान लीजिए एबोरिजिनल्स, क्या नाम दे दिया, एबोरिजिनल्स,
एबोरिजिनल्स। अब ये जो एबोरिजिनल्स हमने नाम दिया है, ये एबोरिजिनल्स, ये आदिम जनजाति को एबोरिजिनल्स कहां कहा जाता है, एबोरिजिनल्स कहां कहा जाता है, ध्यान रखिएगा जब एबोरिजिनल्स की बात आ जाएगी तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मैंने यहां पर एक शब्द जोड़ दिया, शब्द बदल देंगे तो आंसर बदल देंगे, ध्यान रखिएगा शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि क्वेश्चन कुछ अपूर्ण लग रहा था, कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, हमने एक शब्द जोड़ करके उसको आंसर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए देखेंगे एबोरिजिनल्स कहां पर कहा जाता है, आदिम जनजाति को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है, अग्नि वलय पेटी का रिंग ऑफ फायर पूछा जा रहा है, कहां से संबंधित है, अटलांटिक महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर देखना है कि रिंग ऑफ फायर कहां पर है, क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर ये कहां पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी प्लेट है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, ध्यान रखिएगा वह क्षेत्र है परिप्रशांत पेटी। कौन सा क्षेत्र है, परिप्रशांत पेटी। जो प्रशांत महासागर है वो कैसा है, एक चित्र में देखते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, ये चित्र आपके पास है, देखिए ये चित्र आपके पास है, आप देखोगे यहां चित्र में दो चीजें समझ में आ रही है, पूरा का पूरा विश्व का नक्शा है। यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि एक तरफ भारत, चाइना और एशिया के देश है, यूरेशिया के देश है, दूसरी तरफ देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, बीच में लाल रंग की पट्टी जा रही है। जो लाल रंग की पट्टी जा रही है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत हम प्लेटों की बात करते हैं तो एक बड़ी प्लेट है, विशाल प्लेट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का किनारा है, बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का पूरा पूरा किनारा है, और ये जो किनारा है, यही किनारा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही जो किनारा है यहीं पर क्या होता है, प्लेटों का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। आपने सुना होगा कि प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जब टकराती है तो जहां टकराती है वहां पर टूट फूट होता है, वहां से ज्वालामुखी फटते हैं, टकराने से वाइब्रेशन होता है, भूकंप भी निकलता है। ध्यान रखिएगा यही क्षेत्र क्या कहलाता है, रिंग ऑफ फायर, क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा रिंग ऑफ फायर। तो ये कहां से कहां तक होके जा रहा है, आप देखेंगे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड से आप आएंगे इस तरफ तो इंडोनेशियाई द्वीप है, फिलीपींस है, ऊपर जापान है, जापान को इसीलिए क्या कहा जाता है, भूकंपों का देश भी कहा जाता है। ऊपर देखें यहां पर अलास्का है, कनाडा है, यूएसए है, रॉकी पर्वतमाला एरिया, नीचे जाएंगे तो एंडीज पर्वतमाला वाला पूरा का पूरा एरिया है। इवन ये जो पर्वतमाला बनी है एंडीज और रॉकी, ये भी इसी का परिणाम है, प्लेटों के आपस में टकराने का परिणाम है, इसको हम बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी में समझेंगे, अभी केवल ध्यान रखिएगा रिंग ऑफ फायर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आपके पास जो ऑप्शन है देखेंगे, ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा और ओजोन मंडल। मौसमी परिवर्तन पूछा जा रहा है, मौसमी परिवर्तन, मुझे उम्मीद है कि आप सरल प्रश्न है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप आंसर दीजिए, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं आप क्या आंसर देते, जल्दी से आंसर दे दिए क्वेश्चन नंबर 22 का। ट्वेंटी टू का आंसर सभी को देना है, क्षोभ मंडल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आशीष आपने 22 का ए कहा है, बहुत सही बात है, राम ए, कल्पना ए, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ ने बी कह दिया है, देखिए बी भी कह दिया है, नहीं ए जिन्होंने कहा है, भाई मैंने विकल्प नहीं देखा, थोड़ा सा मैं अपना आंसर चेंज करूंगा, ए सही नहीं है, बी आंसर सही, बच्चों जिन्होंने बी कहा है, राजन, संदीप, अनुराग, जुहली, सभी लोगों ने जिन्होंने बी कहा, वेरी नाइस, बी वाले सभी सही है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो परिवर्तन मंडल है वो किसको कहा जाता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मौसमी परिवर्तन, जो परिवर्तन मंडल है वो कहा जाता है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल किसको कहते हैं, क्षोभ मंडल को, किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं क्षोभ मंडल को, इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये चित्र आपके सामने, ये देखिए ये चित्र सामने आपके, यहां पर सारे के सारे मंडल लिखे हुए हैं, बीच में पृथ्वी बनी हुई, ऊपर आपके वायुमंडल के सारे मंडल लिखे हुए हैं। यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप कि जो पृथ्वी की आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस के ऊपर क्या है आपका, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, यही क्या है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो आउटर सर्किल है ये औसतन लगभग आप देखेंगे 12 से 14 किलोमीटर के ऊपर होती है, यहां फिक्स 12 13 14 नहीं कर सकते क्योंकि हवा ऊपर नीचे हो सकती है, ध्यान रखिएगा इसको क्षोभ सीमा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा कहते हैं इसको,
अब आगे ध्यान रखिएगा इसके बाद कि ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ये बादल बने हुए हैं, साथ में बादल से पानी भी गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मौसम संबंधी सभी प्रघटनाएं यहीं पर होती। क्यों होती हैं? क्योंकि 80% वायुमंडल के तत्व इसी मंडल में पाए जाते हैं, चाहे वो गैसें हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी भारी हल्की गैसें, सारी की सारी गैसें, धूल कण हो, जलवाष्प हो, सबका अधिकांश अमाउंट क्षोभ मंडल में होता है। आपसी क्रिया प्रतिक्रिया में क्या करता है? मौसम में परिवर्तन करता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मौसमी परिवर्तन की सारी घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। समनी धाराएं भी यहीं पर प्रवाहित होती है, इसलिए इनको हम संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन है ए लवणता व तापक्रम से, बी संपीडिता व संवहन से, सी उपरोक्त सभी कारकों से, डी उपरोक्त किसी में से नहीं। आंसर आपको देना है भाई, जो समुद्री जल का घनत्व है चार में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? समुद्री जल के घनत्व की बात चल रही है। चलिए आंसर देखते हैं आपका, उसके बाद फिर इसको समझाएंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। साथियों आंसर दीजिए सबसे पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग तेजी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का, मुझे उम्मीद है आप सही आंसर देंगे। अच्छा, नीतू जी ने कहा क्वेश्चन सही से नहीं देखा मैंने। कौन सा क्वेश्चन नहीं देखा भाई नीतू जी? आप एक बार फिर से उसको कमेंट करके लिखिए तो उसको फिर से देखेंगे। 23 क्वेश्चन आपने, अच्छा क्वेश्चन नहीं देखा 23, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। मुझे लग रहा है अगर नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन 23 बड़ा कर देता हूं मैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। मुझे उम्मीद है अब सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है? लवणता व तापक्रम से, संपीडिता, संवहन से, उपरोक्त सभी कारकों से। चलिए मैं आंसर देता हूं, बिना समय खराब किए हुए मैं आंसर देता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कारकों से। उपरोक्त सभी कारकों से आंसर क्यों हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, आंसर उपरोक्त सभी कारकों से इसलिए हो जाएगा, लवणता अधिक है तो घनत्व अधिक होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब तापक्रम अधिक है तो तापक्रम क्या करेगा? पानी की संपीडिता को कम कर देगा, तो क्या होगा वहां पर? घनत्व कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कारक प्रभावित कर रहे हैं, संपीडिता भी प्रभावित कर रही है, समान भी। समान का मतलब होता है एक से दूसरे स्थान पर जाना। मान लीजिए कि घनत्वधारी जल एक से दूसरे स्थान पर जा रहा है, एक घनत्वधारी जल जिसमें लवणों की मात्रा ज्यादा है वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो जहां जाएगा वहां पर घनत्व को बढ़ा देगा। या मान लीजिए कोई कम घनत्वधारी जल किसी ज्यादा घनत्वधारी क्षेत्र में जा रहा है तो वहां पर जाकर के क्या करेगा? उसके घनत्व को वो कम कर देगा। यहां पर आप देखेंगे कि चार के अलावा चार फैक्टर्स और हैं जिसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखिएगा कि लवणता, तापक्रम, संपीडिता और समान, ये सब के सब क्या करते हैं? ये सब के सब आपके समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको साफ से दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से आप एक बार बोल दीजिएगा, इसको मैं और ज्यादा जूम कर दूंगा। सूची एक से सूची दो को सम्मिलित कीजिए और कूट देख करके सही उत्तर दीजिए। लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया है और राज्य दिए गए, बादाम पहाड़ी, दल्ली राजहरा, कुद्रेमुख और नुआमुंडी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। एक बार आपको मैं विकल्प भी दिखा दे रहा हूं। देखिए विकल्प तो नहीं है भाई यहां पर, विकल्प देखिए फिर से, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है शायद। हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, विकल्प नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, हम सही आंसर खुद निकाल लेंगे, आपको पता होना चाहिए सही आंसर क्या है। चलिए देखेंगे यहां पर बादाम पहाड़, सबसे पहला क्या है? बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ कहां पर? उड़ीसा में। कहां पर साथियों? उड़ीसा में है। दल्ली राजहरा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक में। और नुआमुंडी बचा तो वो कहां पर हो जाएगा? झारखंड में। तो आप देखेंगे बादाम पहाड़ कहां पर है? उड़ीसा में है। उसके बाद दल्ली राजहरा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक में है। और नुआमुंडी कहां पर है? झारखंड में। ठीक है ना, इसका सही आंसर ये आपके सामने मैंने बता दिया, नीचे कूट नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम सही आंसर तक पहुंच गए। कूट होगा तो यही कूट आपका सही होगा जो सामने बना हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रैंड बैंक स्थित है, क्वेश्चन है ग्रैंड बैंक स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रैंड बैंक कहां पर है। ग्रैंड बैंक सबसे पहले आपको ध्यान रखना, बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक जहां पर हम पैसा जमा करते हैं वो भी बैंक है, लेकिन वो बैंक अर्थशास्त्र का बैंक है। जब हम भूगोल के बैंक की बात करते हैं तो ऐसा क्षेत्र जहां पर महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, जहां पर धाराएं आपस में मिलती हैं वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स वनस्पतियों का विकास होता है। ये वनस्पतियां
मछलियों का बहुत ही ज्यादा प्रिय आहार होती हैं, तो इनको खाने के लिए बड़ी मात्रा में मछली यहां पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, अर्थात ये मत्स्यन केंद्र के रूप में विकसित होता है, ये मछली पकड़ने के केंद्र के रूप में विकसित होता है। क्वेश्चन है कहां पर है ग्रैंड बैंक? बच्चों आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए पहले आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। देखते हैं आपके आंसर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 का सी कहा है भाई? देखेंगे सी किसने कहा है। अनिल ने सी कहा है, यादव जी ने सी कहा है, प्रमोद सी, राहुल ने डी कहा है, सर्वेश ए, कविता ने ए कहा हुआ है। देखिए मिले जुले आंसर आ रहे, सभी के मिले जुले आंसर आ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर जिसने सी किया है, बच्चों आपने सही किया, सी आंसर वाले सभी बच्चे सही हैं। यहां पर देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, ये सही आंसर है। कैसे सही आंसर है इसको एक बार हम चित्र में देखते हैं। देखेंगे सबसे पहले चित्र में, चित्र देखेंगे, यहां पर एक चित्र लगा हुआ है जिसमें आपको ग्रैंड बैंक दिखाई देगा। देखिए ये जो चित्र लगा हुआ है इसमें आप एक तरफ देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका बना हुआ है, और मुझे पता था दिशा भ्रम हो सकता है इसलिए इसमें दो चित्र एक साथ है। एक तरफ आप देखेंगे यहां पर क्या है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है जहां पर न्यूफाउंडलैंड कनाडा का है और ग्रैंड बैंक स्थित है। अब इस हिस्से को यहां पर देखेंगे, ये लिखा है ग्रैंड बैंक, ये लिखा है ग्रैंड बैंक, जहां पर आप देख रहे हैं कि लैब्राडोर की करंट यहां पर फ्लो हो रही है और गल्फ स्ट्रीम करंट फ्लो हो रही है, गर्म और ठंडी धारा आपस में मिल रही है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां पर मछलियों की भरमार होती है और यहां पर मछली उद्योग का बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो ग्रैंड बैंक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है। कहां पर है ग्रैंड बैंक, ये दिशा कौन सी है, ये कनाडा और ये यूनाइटेड स्टेट के कहां पर है, ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका, पूर्व हो गया, कौन सा हो गया, पूर्व। अगर हम पश्चिम कहते तो किस तरफ आ जाते, अलास्का साइड आ जाते, लेकिन हम कहां पर है, पूर्व में। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लगभग समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है, ऐसा ग्रह, ऐसा प्लेनेट जिसका सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का समय और अपने ही अक्ष पे घूर्णन करने का समय दोनों बराबर है, कौन सा है? इसका आंसर देना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप खुद करिए, मुझे उम्मीद है आप सही आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन पे। 26 का करना है भाई, विपिन ने मंगल लिखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है आपको, कोई बात नहीं क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विपिन आपका मंगल आंसर सही नहीं है। बच्चों बाकी लोग भी आप क्या करिए, जल्दी से कमेंट करिए, सभी साथियों को कमेंट करना, सभी परीक्षार्थियों को कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करें। बुध कहा हुआ है भाई, बुध भी सही नहीं है, चलिए ठीक है, मंगल बुध, मंगल बुध, सभी लोग मंगल बुध, सी कहा हुआ है कई लोगों ने, गीता देवी ने सी कहा है, महेश जी ने सी कहा है, अनिल बृहस्पति, नीतू बृहस्पति। भाई देखिए बच्चों मुझे लग रहा है एस्ट्रोनॉमी या जिसको हम कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, बच्चों सबको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कभी भी आरओ का एग्जाम निकालना है, ध्यान रखिए साथियों, सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यहां पर देखेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्र, आंसर क्या आ जाएगा आपका, शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन और एक साल लगभग बराबर होता है, अपने सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 225 दिन में, और ध्यान रखिएगा अपने ही अक्ष पे घूर्णन करता है 243 डेज में। दो चीजें ध्यान रखिएगा, 225 दिन और उसके बाद 243 डेज, लगभग बराबर दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 243 डेज मतलब क्या हुआ कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है, एक दिन एक साल से बड़ा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ध्यान रखिएगा कि ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन एक वर्ष से बड़ा होता है, कौन सा है, ध्यान रखिएगा, शुक्र है, शुक्र है, कौन सा ग्रह है, शुक्र है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि 225 दिन का एक साल है लेकिन 243 दिन बराबर एक दिन है। यहां पर दिन का मतलब होता है 24 घंटे, दिन की गणना के लिए स्टैंडर्ड क्या माना गया है, जो अपनी पृथ्वी का 24 घंटे का टाइम है, 23 घंटे 56 मिनट है, लेकिन हम 24 घंटे कहते हैं एक दिन का, उस दिन से कैलकुलेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। साथियों बहुत अच्छे से पढ़ना है, गलत आंसर नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं लेकिन जल्दीबाजी में हम गलत कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण लग सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, एक कैलेंडर वर्ष में कुल कितने ग्रहण लग सकते हैं, 10, 7, 9, इसमें एक ऑप्शन कम है, चलिए हम जोड़ देते हैं, एक ऑप्शन हम जोड़ देते हैं यहां पर, डी वाला हमने जोड़ दिया, 11। चलो आप लोग बताओ कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं,
आपको आंसर करना है, कमेंट सेक्शन पहले मैं चेक करता हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27, बेटा आंसर करो सभी लोग। 27 का आंसर किया है बच्चों आप लोगों ने, 28 का नहीं करना है पूजा, 27 8 पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। सोनू बी कह रहे हैं, प्रो गूगल बी कह रहे हैं, अनुराग जी 9 कह रहे हैं, नीतू भारती स्किप कर रहे हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहां पर जो आंसर है, आपको मैं बता दूं कि अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। मुझे लग रहा है आपको एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी कमजोर समझ में आ रही है आपकी, कोई बात नहीं, 7 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7, अपवाद की बात नहीं चल रही यहां पर, औसतन जो निकला हुआ अधिकतम वो 7 है। कितना है? 7, जिसमें से 3 से 4 सूर्य ग्रहण होते हैं, शेष बचे क्या होते हैं? चंद्र ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की घटना किसमें होती है? ध्यान रखिएगा, सीजीगी की कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होती है? सीजीगी कंडीशन में, मतलब जब सूरज पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब सूर्य उसके बाद पृथ्वी और चंद्र एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब कौन सी प्रघटना होती है? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सिजगी। इसी में सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, इसी समय डायमंड रिंग भी बनता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज और चंद्रमा के, और पृथ्वी का प्रकाश कहां पर पड़ जाता है? चंद्रमा के ऊपर पड़ जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाकी क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बच्चों यहां पर एक छोटा सा चित्र भी है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को समझाने का। ये देखिए चित्र आपके पास है, ये आप देख रहे हो, ये सूरज है क्योंकि चमक रहा है, तो सूरज है, तारा है, और ये चंद्रमा, चंद्रमा किस तरफ आ रहा है? पृथ्वी के सामने से देखेंगे तो चंद्रमा कहां पर आ रहा है? बीच में आ रहा है। किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के। जब बीच में आता है तो ये वाली कंडीशन बन जाती है, जब पूरे बीच में आ जाता है ये एक डायमंड रिंग बन रही है। क्या बन रही है? डायमंड रिंग। ये सूर्य ग्रहण है। ये क्या है बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये सूर्य ग्रहण की प्रघटना है, ये है सूर्य ग्रहण, ठीक है ना? आप देखेंगे ये जो संरचना बन रही है, इसके साथ साथ ये एक नग जैसा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंगूठी में नग लगा हुआ है, ठीक है ना? ये नग लगा हुआ क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द बेलीज बीट्स। बेलीज बीट्स का मतलब होता है ऐसा प्रकाश जो चंद्रमा की घाटियों और पहाड़ों के बीच से होकर के आता है और नगनुमा संरचना बना देता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में जब ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये प्रकाश है, मान लीजिए ग्रहण हो या ना हो, लेकिन इस प्रकार का डायमंड रिंग का प्रकाश चारों तरफ क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि अभिरंजना युक्त फैला हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? सनडॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनडॉग। सनडॉग क्यों बनते हैं? सूर्य ग्रहण की बात नहीं है, चूंकि इस प्रकार के प्रकाश का पुंज दिखता है इसलिए उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसका सूर्य ग्रहण से लेना देना नहीं है। जो पुंज है क्यों दिखाई देता है? पुंज बेसिकली बर्फ के कारण, बर्फ की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। सनडॉग क्वेश्चन भी पूछा गया, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहां पर केवल ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के संबंध में जो आंसर सही है वो 7 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? कुछ पहाड़ियों के नाम है उत्तर से दक्षिण में, उनको क्रम से जमाना है। देखेंगे नल्लामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई, जावादी, नीलगिरी और नल्लामलाई, नल्लामलाई, जावादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, जावादी और नल्लामलाई। साथियों आपको पता है ये जो पर्वत श्रेणियां है किसकी है? पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां है। पूर्वी घाट निरंतरता के साथ नहीं फैला है जैसा पश्चिमी घाट फैला है, ये टूटी फूटी अवस्था में है, तो छोटे छोटे से इसके ब्लॉक्स है, इसके अलग अलग नाम है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में जमाना है। चलिए हम जमाना शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा अगर उत्तर में तो नल्लामलाई हो जाएगा, फिर जावादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, मतलब 1 2 3 4। आपका कौन सा आंसर सही है? डी आंसर सही है। साथियों इस चीज को मैप में देख के बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, डी आंसर आपका सही है। एक बार मैप में देख लीजिए इसको, बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएंगी। देखिए सॉरी, मैं आपको कहना चाहूंगा यहां पर मैप नहीं है, कोई बात नहीं, हम आंसर फिर भी बता देते हैं आपको। यहां पर एक मैप था जो यहां देख नहीं रहा, एक मैप मैंने, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है छोटी सी, कोई बात नहीं, हम बता दें कि सबसे पहले क्या आएगा इसमें। सबसे पहले नल्लामलाई नंबर वन आएगा, उसके बाद नंबर टू क्या आएगा? जावादी पहाड़ियां। क्या आएगा? जावादी पहाड़ियां। फिर नंबर थ्री क्या आएगा? नीलगिरी। नीलगिरी आएगा। नंबर फोर क्या आ जाएगा आपका? अन्नामलाई, जो भारत की दक्षिणतम चोटी है, ठीक है ना?
उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले नल्लमलाई, फिर जावादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नमलाई। कोई बात नहीं, मैप नहीं इसमें यहां पर क्रैप हो पाया, कोई बात नहीं, हमने इसको लिख करके समझ लिया। एक बार पूर्वी घाट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे बुक में, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपने सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का एक बार आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देख लेते हैं। 28 का सी कहा हुआ है पूनम ने, सर्वेश जी ने सी कहा है। बेटा सभी को आंसर करना, आप लोग सभी आंसर नहीं करते हो, जल्दी से सभी लोग आंसर लो, बहुत अच्छी ऊर्जा दिखानी है, सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर कर दीजिए। संदीप ने सी कहा हुआ है, रूबी देवी ने बी कहा है। बच्चों सभी को आंसर करना बेटा, आप सब आंसर करो। चलो भाई आंसर करने में थोड़ा सा आप लोग देर कर रहे हो, बहुत फुर्ती के साथ आंसर करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आपको अच्छे से किताब खोल करके सारी की सारी ये जो पोजीशनिंग है ये चेक करनी है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29 सुमेलित करना है। दिए गए कूट में एक दो से एक तरफ लिखा है औद्योगिक नगर, परिवहन, खनन नगर और गैरिसन छावनी, दूसरी तरफ विशाखापट्टनम, बिलाई, सिंगरौली और अंबाला। यहां पर कूट दिया गया है 2134, 2314, 4312 और 4132। क्या सही है? हम पहले खुद आंसर सही मिला लेंगे, उसके बाद देखेंगे किस कूट में दिया हुआ है। चलिए मिलाना शुरू करते हैं। औद्योगिक नगर क्या है? सभी को पता है भिलाई औद्योगिक नगर है, भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद परिवहन के लिए आप देखेंगे पोत परिवहन के लिए विशाखापट्टनम फेमस है। फिर खनन नगर क्या हो जाएगा? सिंगरौली, सिंगरौली में कोयले की बड़ी बड़ी खदाने हैं। उसके बाद देखेंगे गैरिसन छावनी, अंबाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2134। 2134 कहां पर दिया गया है साथियों? चलिए देखते हैं 2134। 2134 दिया हुआ है ए में, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन पहले ही सही कर लिया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आपके आंसर ले लेता हूं, क्या आंसर आपने दिया है? 2134 दिया हुआ है क्या? 2134 सभी लोग लिख लीजिए या ए लिख दीजिए, ए या 2134। गौरव जी ने लिखा है बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई गौरव, बहुत अच्छे सेशन, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, डोंट हैव टू वरी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, आपका बहुत अच्छा आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, सही प्रयास होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। 2134 वेरी नाइस, 2134 ए, सभी ने, गौरव, विपिन, नीतू, सभी ने सही आंसर लिखा, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सभी सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे सूची एक सूची दो को सुमेलित कीजिए, एक में दिया है जल विद्युत परियोजना, दूसरे में नदी का नाम जिसके ऊपर वो स्थित है। देखेंगे मैथान, सलाल, राणा प्रताप सागर, टिहरी, चंबल, भागीरथी, बाराकार, चराब। चलिए एक बार इसको हम क्या करते हैं, सही जोड़े बना लेते हैं, फिर कूट देखेंगे कौन सा सही है। मैथान परियोजना बाराकार नदी पर है, सभी को पता होना चाहिए। सलाल विवादित परियोजना है, चेनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर कहां पर है? चंबल नदी पर है। टिहरी कहां पर है? भागीरथी पर। कहां पर है? भागीरथी नदी पर है। तो सही आंसर आपका क्या जाएगा? यहां पर सही आंसर जाएगा 3412, 3412 आपका सही आंसर जाएगा साथियों। 3412 देखते हैं कहां पर है, 3412 ये दिया हुआ है। डी आंसर आपका सही है भाई, डी आंसर सही है 3412, ध्यान रखिएगा डी आंसर सही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे से पहले आपने सॉल्व कर लिया होगा, मेरे से पहले आपने आंसर दिया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, देखता हूं 3412 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दे दीजिए 3412। बच्चों जो आपने आंसर दिया सही है, 3412 सही है, 30 का डी 341, रूप जी सही दिया है आपने, 3412 सही है, विपिन सही है, नीतू सही है, गीता, कविता सभी ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस, राम सही आंसर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजों को तैयार करिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। जब पेपर आपके सामने आए तो आपको लगना चाहिए भाई ये सारी चीजें तो हमने पहले से कर ली है, हमसे गलती तो हो ही नहीं सकती। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या करोगे, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से हम कुछ नई चीजों के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, मिक्सचर के साथ या फिर किसी एक होल सोल सब्जेक्ट के साथ फिर से आएंगे, फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।